में हम लोग जिस पार्ट पे अलग हुए थे, ठीक है, हम लोग उसी को ठीक है एक बार देख रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि अगर मैं विलियमसन सिंथेसिस, याद है ना बच्चों, अगर मैं RO माइनस कोई बेस लूं और इसके इसके साथ मैं अगर कोई R R डैश X ले लूं, तो इसके अंदर एक SN2 मैकेनिज्म से, मतलब जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि SN2 मैकेनिज्म से आंसर आ जाए और मेरे पास में RO R डैश बन जाए। ये करने के लिए, ये चीज करने के लिए प्रेफरेबली क्या होना चाहिए? रिकॉर्डिंग स्टार्ट की क्या हमने? हाँ ये जो है करने के लिए प्रेफरेबली हमारे पास में क्या होना चाहिए? R डैश की डिग्री, बोलो बच्चों क्या होनी चाहिए? R डैश की वन या डिग्री टू 1 डिग्री, 2 डिग्री बेस्ट है। बेस्ट तो क्या है, 1 डिग्री है, ठीक है। 3 डिग्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाई साइक्लो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली ये सब चीजों पे तो हो ही नहीं पाएगा। फिनाइलिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन सब चीजों पे नहीं हो पाएगा। विनाइलिक नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों पे नहीं हो पाएगा, याद है बच्चों। वेर एज कुछ कंफ्यूजन ना हो, तुम्हें इसके लिए बता दूं, तुम्हें RO माइनस के लिए, ठीक है, RO माइनस के लिए एक्चुअली फिनाइलिक चलता है। फिनाइलिक, विनाइलिक, ठीक है, विनाइलिक एक्सेट्रा चलता है, ठीक है। समटाइम्स इसके लिए तो 3 डिग्री भी कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा, ठीक है, बल्कि रहेगा तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, ठीक है, बट डिग्री आर अलाउड, डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह चलता है। ये लास्ट क्लास का कंक्लूजन था, अगर तुम्हें याद हो तो, समझ रहे हो ना भाई? तो जैसे, अच्छा, इन सब में, इन सब के बीच में क्या है कि हम लोग ये भी ले सकते हैं कि RX, ये जो हमने आर डैश एक्स लिया है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ हेलाइड्स, इन प्लेस ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, एक्चुअली इन प्लेस ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, अल्काइल सल्फेट्स कैन ऑल्सो बी टेकन, अल्काइल सल्फोनेट्स कैन ऑल्सो बी टेकन। तो ये सब भी लिया जा सकता है। तो भाई जैसे R डैश X में X लीविंग ग्रुप है, वैसे R डैश O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O में ये लीविंग ग्रुप है, ऐसा हिसाब किताब हो सकता है, ठीक है। और इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ? रिएक्शन ऐसा बन जाएगा ना हमारे पास में, RO माइनस Na प्लस, और प्लस क्या बताओ, इसके साथ किसकी रिएक्शन करवाएंगे भाई हम लोग? R डैश O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O R डैश, तो कौन लिविंग ग्रुप है बताओ इसमें? ऐसा आ जाए सवाल तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये समझ जाना कि ये O जो है ये यहां से लिविंग ग्रुप है, बताओ है कि नहीं। तो इसलिए मैं कितना मोल्स RO माइनस उसमें कंज्यूम कर सकता हूँ इस जो है सवाल के अंदर? 2 2 मोल कंज्यूम कर सकता हूँ, तो मेरे पास में 2 मोल्स ऑफ RO R डैश फॉर्म हो जाएगा और प्लस Na2SO4 बन जाएगा जो बनना होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में ठीक है। इसके अलावा क्या है कि रिएक्शंस तो और भी हैं, जैसे हमारे पास में ये देखो, दिस Cl प्लस ड्राई Ag2O, देखो ड्राई Ag2O है तो ये अलग है, और मॉइस्ट Ag2O है तो ये अलग है। देखिए भाई बच्चों, ड्राई Ag2O, मॉइस्ट Ag2O, अगर ड्राई Ag2O है तो क्या बनेगा भाई? तो इसको पकड़ो Cl, ठीक है, और Ag2O है मतलब AgOAg ऐसे लिख दो, और इसको पकड़ो Cl, एंड Ag और Cl यहां से हटा दो और Ag और Cl यहां से हटा दो, एंड ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? दिस ऐसा। और मॉइस्ट Ag2O जो है ना, ये बच्चों शायद तुमने रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर देखा होगा, भाई जब ड्राई है तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, Ag प्लस तो किसको लेके चला जाएगा दोनों ही केसेस में? Cl माइनस को, किसको लेके चला जाएगा? Cl माइनस को। तो यहाँ मॉइस्ट में न्यूक्लियोफाइल कौन है बताओ? एक्चुअली हमारा कौन अटैक करने वाला है? OH माइनस वाटर, OH माइनस।
ऐसा भी समझ सकते हो कि बच्चों अगर मैं इस ईथर का हाइड्रोलिसिस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, वही मेरा आंसर आ जाएगा। भाई AG2O पे पानी गिराओ या ड्राई जी टू से रिएक्शन करवा के इस पे पानी गिराओ, बात तो एक ही है। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा भाई मेरे पास में, क्या बन जाएगा बोलो बोलो, ईथर का दो हाइड्रोलिसिस इधर क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ईथर का हाइड्रोलिसिस बनने से क्या बनता है बताओ, एल्कोहल्स, ठीक है। और इसके अलावा बनाने का तरीका तो ये भी है कि भाई एल्कोहल से बना लो। एल्कोहल से कैसे बनाए, केयरफुली बनाना पड़ेगा तुम्हें। एल्कोहल से अगर मैं क्या करवाऊं, इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करवाऊं, इंट्रा नहीं, इंट्रा तो तुम करते हो, इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करवाऊं, तो मेरे पास अगर ऐसा सामान हो दिस OH और इसके ऊपर कॉन्क H2SO4 हो बच्चों, और 140 डिग्री सेल्सियस तक अगर मैं गर्म करूं सच दैट ये अल्कोहल एक्सेस में हो, ये अल्कोहल एक्सेस में हो, अल्कोहल एक्सेस में है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास हाइपोथेटिकली कार्बोकैटायन बने, ठीक है, इसके अंदर इसका अमाउंट जो है वो स्मॉल है। तो नॉर्मली क्या होता है जब कॉन्क H2SO4 डिसेंट रहता है तब तो क्या होता है बताओ, तो ये HSO4- आके उससे झगड़ा करता है, किससे, ऊपर के कार्बोकैटायन से, और यहां से क्या निकाल के ले जाता है बताओ, इसके बगल वाले पोजीशन से क्या ले जाता है बताओ, H। तो इससे क्या बन जाएगा, डिहाइड्रेशन, अल्कीन। लेकिन अभी अगर मेरे पास में अल्कोहल एक्सेस में है तो बस मैं ये चाहता हूं दैट द प्रोबेबिलिटी, क्या बताओ, दैट द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस नेक्स्ट OH मीटिंग मीटिंग कार्बोकैटायन मीटिंग C+ इज मोर देन क्या बताओ, HSO4-। और ये HSO4- जो यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा था, ये ऐसा किसकी तरह काम करेगा बताओ, न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से कहां पे अटैक करेगा बोलो, कौन कहाँ अटैक करेगा, कौन कहाँ अटैक करेगा, आर्यन। कार्बोकैटायन ओ जो है किस पे अटैक करेगा, ये बोलो ना, ओ न्यूक्लियोफाइल है, सो गएगा तुम लोग यार, C+ ओ C+ पे अटैक करेगा, और इसलिए क्या बन जाएगा हमारे पास लास्ट में, ऐसा बन जाएगा अल्टीमेटली। हम इस चीज को डायरेक्टली कैसे बना सकते थे बताओ, यहाँ पे OH लिखें, यहाँ पे OH लिखें, और इसमें से क्या रिमूव कर दें बताओ, ये पानी रिमूव कर दें, इंटरमोलर डिहाइड्रेशन हो गया भाई, ठीक है। अगर तुमने यही चीज कैसे कर दी बताओ, H2SO4 एक्सेस में लिया तुमने अगर, और अल्कोहल को मिलने नहीं दिया, तो 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो तुम्हारे पास में टेम्परेचर बढ़ने से एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं ना बताओ बच्चों, तो ये थोड़ा फर्क है दोनों में, ठीक है। ऐसे करने से ये बन जाता है, और ऐसे करने से ये बन जाता है, ठीक है ना। तो दिक्कत यही है, दिस इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स अल्कोहल्स। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सिंस इसके अंदर क्या है बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, सो दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो फ्रॉम डायजोमीथेन, सर टेम्परेचर क्यों हाई रखा? क्योंकि हाई टेम्प, तुम देख रहे हो ऊपर वाले में, एक्चुअली ऊपर वाले में एक्चुअली क्या है, इस रिएक्शन का डेल्टा एस जीरो है, जीरो क्यों है बताओ। देखो ये एक रिएक्शन में रिएक्शन टेक प्रोडक्ट दो पार्टिकल्स मिलके क्या बना रहे हैं बताओ, एक और दो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, है ना। हाँ सर लेकिन नीचे वाले का रिएक्शन का क्या है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, एक पार्टिकल दो में टूट के अलग हो रहा है, तो ये हायर टेम्परेचर पे ही रिएक्शन फेवरेबल है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन हायर फ्रेम से फेवरेबल होती है ना भाई। पहली वाली रिएक्शन एलिमिनेशन नहीं है बच्चे, पहली रिएक्शन क्या है, सिर्फ इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन,
दूसरी रिएक्शन क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन दोनों है। एलिमिनेशन के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। चले आगे, फ्रॉम डायजोमीथेन। डायजोमीथेन से बच्चों क्या बनेगा, फॉर्मूला बोलो डायजोमीथेन का, अद्वैत अहमदुल्ला फॉर्मूला बोलो डायजोमीथेन का। ऐसे कैसे चलेगा। हाँ चंद्रायन, यस सर, डायजोमीथेन का फॉर्मूला यार, CH2NO CH2N2। यस कितना टाइम लग रहा है, CH2N2। CH2N2 का सबको लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद है बच्चों क्या था। CH2N2 इज डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड है, बोलो भाई। और इसका रेजोनेंस करवाते हैं, तो रेजोनेंस करवाने पे इस पे क्या बन जाता है बताओ, डायजोमीथेन के अंदर हमारे पास में। अच्छा इस एन पे चार्ज बच्चों प्लस, इस एन पे चार्ज माइनस, इस एन पे दो लोन पेयर, इस एन पे एक भी नहीं है। जब इसका रेजोनेंस करवाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा सच दैट CH2- और क्या बताओ एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इस एन पे प्लस, इस एन पे कुछ भी चार्ज नहीं। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दो CH2N2 के पास में दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, बताओ क्या। एंटू N2। एंटू तो क्योंकि ये वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ऐसा कोई खिताब होता नहीं है, कि तुम्हारी मरी हुई आत्माओं को जगाने के लिए है, वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड सेशंस में बहुत जबान पे लगाम लगी करती है, हम लोग ऑफलाइन लेक्चर्स लाएगी हैं बच्चों को। ठीक है, तो इस जो सामान को ध्यान से देखो, मतलब दिस दिस CH2N2 हैज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। मेरे को थोड़ा सा बताएगा भाई, CH2N2 के अंदर कौन सी दो चीजें बहुत रिएक्टिव है बताओ। जीवज्योत, सर एंटी तो है ही लिविंग ग्रुप, वेरी गुड। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं। एंड ऋषिकेश, कीर्ति, सी पे माइनस चार्ज तो वो रिएक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। रिजोत देखो ना, ये तो ये मुझे किसकी याद दिला रहा है, ये कार्बन कार्बन के हॉरर्स है ना। ठीक है, कार्बन जो है वो फूल के बैठा है बुरी तरह से, वो अबाउट टू एक्सप्लोड है ना भाई। सर तो ये जो दो चीजें हैं ना, कि इसलिए इसलिए तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, क्यों बच्चों भक्ति क्या बन जाता है गर्म कार्बिन करने से, इसको कार्बीन बन जाता है। CH2N2 गर्म करने से कार्बीन बन जाता है, बिकॉज इसके पास में है और उससे लेके चले जाओगे तो क्या बन जाएगा, कार्बीन। ठीक है, इधर सेपरेट रिएक्शन ऑन हीटिंग डायजोमीथेन वी गेट कार्बीन CH2, इसमें एक भरा हुआ है और एक खाली है, प्लस क्या गैस निकल जाएगी बताओ, N2। सही बात है। तो अब जब मैं ROH के सामने इसको लाऊंगा बच्चों, जब मैं ROH के सामने इसको लाऊंगा, ठीक है, तो उसका डेस्परेशन समझने की कोशिश करो कि वो कैसे बिहेव कर रहा है और क्यों बिहेव कर रहा है। जो भी बिहेव कर रहा है दैट इज गोइंग टू सेट अ स्मॉल प्रेसिडेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्शंस, कि कैसे चीजें जो है वो बिहेव करती हैं आगे। हाँ सानिका, मुझे बताओ इसके अंदर क्या लग रहा है तुम्हें, दोनों प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्या करा जाए पहले बताओ। नहीं कुछ कुछ ऐसा खास, अच्छा सक्षम, कुछ खास हाँ नहीं, सर, कुछ कुछ इसको देख के कुछ लग रहा है। देखो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा करो इनके बीच में जिससे इसकी भी समस्या शांत हो जाए। ठीक है, तो बताओ मुझे बताओ सक्षम, ये किसके सपने देख रहा है बताओ। उसको अपना खाली और बैटल भरना है। इसको नहीं, अभी नहीं भरना है, अभी तक देखो N2 गया नहीं है छोड़ के। इसको पहले क्या करना है, अपना लोन पेयर डोनेट करना है, लोन पे डोनेट करना है। बड़ी बड़ी अजीब मुसीबत है, लोन पे डोनेट भी करना है, ठीक है, साथ साथ में इसको टेंशन भी है इस बात की बताओ कि N2 छोड़ के भागेगा, तो एक लोन पेयर इसको क्या क्या है क्या करना है, एक्सेप्ट भी करना है। ये दोनों बातें पता है कौन कर सकता है, ये ROH कर सकता है।
अगर तुम ये सोचो कि ये एच अगर इतना इतना ज्यादा एसिडिक हो कि बताओ ये किस में टूट जाए, इसमें से ROH में से, बोलो क्या क्या बन गए, आर ओ माइनस एच प्लस RO- और H+। तो ये H+ कहाँ पहले चिपक जाएगा बताओ? उसने लोन पे सी इफेक्ट किया एच CH2। टू CH2 पे, मेकिंग इट CH3। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व, फिर और आर ओ अब वो माइनस माइनस अटैक करवा दो CH3 किस पे बताओ? CH3 पे, प्लस। SN2 हो गया। तो ये जो है, ये अपना भाई जो है, ये इतना बड़ा बिजनेस प्रपोजल लेके जो है, ठीक है, उसके पास में, ठीक है, बड़ा, ठीक है, बड़ी गुहार से गया, ठीक है, माई बाप माई बाप, हाथ जोड़ता हूँ माई बाप, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ठीक है। एंड ये जो है थोड़ा गधा है, ठीक है, इसने कहा कि नहीं, मैं किसी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मामला सारा जो है टाइम टाइम फिक्स हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि इसमें द एच फ्रॉम एल्कोहल इज नॉट एसिडिक एनफ, ये इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, इज नॉट एसिडिक एनफ। तो हम लोग क्या करते हैं, सो अ लुइस एसिड लाइक BF3, ठीक है, हम यूज करते हैं अ लुइस एसिड, ठीक है, BF3 इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीज इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। एंड हम लोग क्या कर देते हैं बताओ, इस ROH को ठूस देते हैं किसके साथ बताओ, पहले BF3 के साथ में। तो इससे क्या बन जाता है बताओ, पहले आर एडक्ट हो ओ जाएगा। एच और एडक्ट बनेगा, ये BF3 इससे खाएगा, इसको खाने से क्या है, ओ पे क्या चला जाता है बताओ, प्लस। एंड अब इसे मिर्ची लगती है तो किसको ज्यादा एसिडिक बना देता है बताओ, अपने ही एच को। एंड अब क्या होगा बताओ, CH2N2 उससे डायरेक्टली रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा बताओ, CH2N2, और ये CH2- पहले किस पे अटैक करेगा बताओ, इस पे। फॉर्मिंग क्या बताओ, CH3 और N2+। अब वो छोड़ेगा नहीं, देखो अब अपने आप रिएक्शन होती जाएगी। अब ये RO और BF3- था, BF3- पे खुद पे जब नेगेटिव चार्ज आ गया है बच्चों, तो ये लिविंग ग्रुप भी है अच्छा, और O का लोन पेयर ये एब्जॉर्ब करेगा और क्या बन जाएगा, RO CH3+N2+BF3। ये काम मुझे नहीं करना पड़ता, जस्ट अ थॉट, तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में शायद ये रिएक्शन देख चुके हो। अगर ये सवाल मेरे पास क्या होता बताओ बच्चों, RCOH की रिएक्शन बच्चों अगर किससे करवाई जाए, CH2N2, तो भाई इसके इस केस में क्या करूं बताओ मैं, आप बताओ ये एच इतना एसिडिक है कि नहीं बताओ, मस्त एकदम। तो ऐसा पहले एस्टर पहले बना देगा। हाँ पहले बहुत ही स्मूथली क्या हो जाएगा बताओ, RCO- एकदम एफर्टलेसली, मतलब रोकना पड़ रहा है बिकॉज ग्रिगनार्ड टाइप उस पर जाके झपट ले रहा है, CH2N2, और इस पे क्या अटैच हो गया बताओ, एक एच, और अब ये क्या करेगा बताओ, इस पे SN2 और ये N2 निकाल लेगा, क्या बन जाएगा, एस्टर, RC डबल बॉन्ड OO और CH3। एस्टर बनाना इससे बहुत ज्यादा आसान है, ईथर बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, सबको समझा गया ये। हाँ सर, इनफैक्ट हमें ये चीज इसमें भी जरूरत नहीं है, सुनो देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ में हम जानते हैं बताओ बच्चों, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ के ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-16 17 होता है बच्चों। फिनॉल का के, सुनो बच्चों, फिनॉल का के ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-10 है, और RCOH का के ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-5 है। तो दीज टू आर सफिशियंटली एसिडिक कि तुम्हें इसमें कोई CH2N2, ठीक है, नो लुविस एसिड रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली नो लुविस एसिड रिक्वायर्ड। ये समझा क्या बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाले का आंसर लिख दो बच्चों, शिवांगी समझा भाई, हाँ सर, जहां इसका आंसर लिख दो, ठीक है, वहां देखो इसका आंसर भी लिख दो, ठीक है, ये S डबल बॉन्ड OH CH2N2 फिनॉल NO2 CH2N2।
और सिंपल सिंपल है ना बच्चों, पहली बार में सब में क्या हो रहा है बताओ, एसिड बेस, और दूसरे बार में क्या हो रहा है, SN2 SN2, बस इतना सिंपल है कुछ। एक तो अपन खुद ही लिख सकते हैं भाई अपने आप, ठीक है। जैसे अगला रिएक्शन है, ठीक है, मिथेनोलाइसिस, मिथेनोलाइसिस, पर उसमें एक डाउट था BF3 वाले स्टेप में, वो हाँ बोलो। बी माइनस और ऑक्सीजन का बॉन्ड हमने बोरॉन पे क्यों तोड़ा? वो किसका? नहीं नहीं जो बुरा, आरओ बी नहीं एफ नहीं थ्री नहीं माइनस मैंने वाला बॉन्ड है। एरो उल्टा बना दिया बेटा, बी दो माइनस थोड़ी लेके भागेगा। तुम इतना ले सीरियस लेते हो मेरे को, तो पता लिसन, नहीं। अरे नहीं बेटा ऐसा मत करो। हाँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एच, ये टू का क्या बन जाएगा भाई, देवियों सज्जनों थ्री इसका क्या बन जाएगा भाई, फिनॉल ओ, नाम क्या है? हाँ किसका नाम बेटा, ये वाला सल्फोनिक, कंपाउंड का सल जैसे कार्बोक्सिलिक एस्टर होता है ना, वैसे ये सल्फोनिक एस्टर है, एस्टर ही तो है। क्यों भाई, ये जैसे OH होता है तो क्या होता है, सल्फोनिक एसिड होता कि नहीं होता, वैसे सल्फोनिक एस्टर है। सर, ठीक है ना, ओ सी एच टू का क्या बन जाएगा भाई, सी एच थ्री एसिड बेस से, और फिर यहाँ पे NO2। तो जैसे मिथेनोलाइसिस कहाँ पढ़ा था हमने, ये मिथेनोलाइसिस MeOH के प्रेजेंस में, दिस इज सिमिलर टू हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस या सोल्वोलाइसिस, कहाँ देखते थे हम लोग ये रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो इसमें क्या होता था बताओ, हाइड्रोलाइसिस में RX के ऊपर हम क्या डालते थे बताओ, H2O। वैसे यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, RX के ऊपर क्या डालेंगे, एनी MeOH। और मैकेनिज्म क्या बताओ, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 SN1, तो पहले R प्लस बनेगा, धीरे धीरे अपना जो है नखरे करते करते बनेगा, MeOH उसके पास जाएगा, बोलेगा क्या भाई मूड है क्या भाई, तो वो उस पर अटैक करेगा, और फिर ROME में से एक H रहेगा, ठीक है, H H उससे पूछेगा मेरी इज्जत का क्या, तो बोलते तेरी इज्जत तो कभी थी नहीं, तो ROME बन जाएगा। ऐसे छोटे मोटे वेरिएशन होते रहेंगे ऐसे ही, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, मॉडिफिकेशन, याद है बच्चों, OMDM का मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन क्या करें भाई, मॉडिफिकेशन एमईओएच करें। हाँ तो हम लोग क्या करते थे बताओ, सी डबल बॉन्ड सी जो होता था, अगर मैं ऐसा ले लूं RCH डबल बॉन्ड CH2 पे, यदि क्या ले, रीजन बताओ भी सार्थक की, कुछ याद है क्या सार्थक की, सर, सार्थक की रीजन याद है क्या, OMDM का? माइक्रो ऑक्साइड नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड नहीं, शशांक नलायक, हाँ सर, HGOAC होल्ड ट्वाइस HGOAC होल्ड ट्वाइस, और NABH4। नहीं वो क्या है बेटा, ये सेकंड स्टेप में है NABH4, देखो ये OM हो गया, डी मर्क्यूरेशन के लिए भाई ने डाल दिया NABH4 H2O प्लस क्या H2O, बस यहीं पे गलती हो गई भाई से, यहाँ पे H2O नहीं डालना है, ये क्या डालना है, अच्छा THF, एच एफ सर, तो सॉल्वेंट है बेटा, वो तो है इश्यू, नहीं, ठीक है अच्छी बात एमईओ है, एच सर, सी MeOH डबल का, बॉन्ड ओ एच। नहीं, सिलिकॉन OH नहीं, MeOH डालना है, क्योंकि वाटर अगर डालोगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कि RCH पे CH2 पे क्या ऐड कर दोगे बताओ, बीच में क्या ऐड कर दोगे, OH, और साइड में क्या ऐड कर दोगे बताओ, H, क्या बना, अल्कोहल। तो हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना ना, हमें क्या करना है, हमें इसमें MeOH डालना है, MeOH डालना है,
तो यहाँ भी H2O पे अटैक, एच वाटर नहीं अटैक करेगा ऐसे, HGO की रिंग बनती थी ना भाई, बोलो इस रिंग पे वाटर नहीं अटैक करेगा, अब कौन अटैक करेगा, MeOH, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, OME, क्या बना बताओ, ईथर। मतलब सारे जो वो एल्कोहल वाले स्टेप है ना वो हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, सर ये एमई वैसी जगह कोई भी भारी चीज लेके चलेगा, भारी मतलब मतलब बल्कि तुम ROH, मतलब कोई OH वाला वर्जन लाओगे ना, हाँ, OHE पर थोड़ा भारी। हाँ, क्यों नहीं चलेगा, भारी मतलब डिसॉल्व होना चाहिए यार सॉल्वेंट में, और क्या, सॉल्युबल नहीं होगा तो कैसे चलेगा, है ना। जैसे ही देखो बच्चों, ये इपॉक्साइड विपॉक्साइड भी बना लेते हैं अपन थोड़ी सी, देखो बच्चों ये तुमको याद है क्या, RCH डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर हम लोग किया करते थे परॉक्सी एसिड, क्या नहीं मैच क्या था, वो एपॉक्साइड की रिंग डबल बॉन्ड आर सी एच, CH2 से ओ, ये एक्चुअली और भी चीजें बना देता है, देखो ऐसे AgO2HNu के साथ भी यही आता है, एयर O2HNu, समय बन जाता है, वही बन जाता है O2, है ना, O2HNu आया बच्चों तुम्हारे पास में, तो भाई रेडिकल की तरह तोड़ के चिपका देने का भाई, ठीक है। ध्यान रखना ईथर्स, अगर मैं बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो हमें फिर से एक बार एनसीईआरटी में इसको देख ही लेना चाहिए वैसे तो, ठीक है। आई डोंट नो एनसीईआरटी में कितना ईथर्स के बारे में इतना लिखा होगा, लिखा लिखा ही होगा, ईथर्स वॉलेटाइल लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स क्यों है ये, क्यों है मतलब वॉलेटाइल, अप्रूव तुम दो, अच्छा डर गया मैं, अप्रूव तो दो दो, अरे कहाँ अप्रूव, तुम जोन आउट में एकदम कर दिया, हाँ वाटर लिक्विड क्यों है मान्या, सारंग रेजवांडिंग नहीं है। एच बॉन्डिंग नहीं है, नो एच बॉन्डिंग है, नो एच बॉन्डिंग है, ठीक है। और सेकंड चीज के ROR- का बॉन्ड एंगल इन ईथर इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, ये पता है क्या भाई तुम्हें, हाँ सर, अच्छा पता है, अरे क्या बात है, तुम्हें पता है CH3OCH3 का एंगल जो है ये 109 डिग्री से बड़ा होता है इन स्पाइट ऑफ टू लोन पेयर्स, 111 होता है। क्या बात है, 111 डिग्री होता है बच्चों CH3 का, दो इसके पास में दो लोन पेयर्स हैं फिर भी तो एनसीआरटी वहां में से पड़ा हुआ रिपल्शन हो जाता ना, वो CH3 मल्टी ग्रुप रहता है सर। है, अरे अब आंसर पता है तो कुछ भी बोलो जिससे सब तुम्हें समझ में आ गया हो, नहीं सर, वो NCERT में लिखा हुआ है, अच्छा इसीलिए अच्छा बोल रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, तुमसे मिलने आया था सारंग इंस्टीट्यूट से, तुम आए नहीं एक्चुअली, हाँ मतलब हफ्ते में 2-3 बार आ रहा हूँ मिलने के तुमसे वैसे में, तो सर हाँ बोलो, आवाज कट गई बेटा, हेलो। हाँ सर, नीचे के जो दो आ रहे हैं वो तो जॉइंट है ना, ये वाली केस में एपॉक्साइड में, तो एपॉक्साइड फिर में थोड़ी बोल रहा हूँ यार, जन अच्छा ठीक तुम भी ना यार, है। तो थर्ड चीज भी देखो ध्यान रखना कि ईथर्स जो हैं बच्चों, ईथर्स आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, एंड सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस
देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज इफ एल्कोहल इज एडेड. एल्कोहल इज एडेड, उसका रीजन, रीजन बच्चों रीजन, क्योंकि एच ईथर, बॉन्डिंग एच बॉन्ड, हाँ मतलब ईथर और एल्कोहल में एच बॉन्डिंग तो क्या है, ईथर एंड एल्कोहल क्या है बताओ, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भाई भाई है, सही बात है. और क्लैरिटी की वजह से पोलैरिटी क्लैरिटी बेटा मतलब पोलैरिटी की वजह से. पोलैरिटी, पोलैरिटी से ज्यादा मेरी बात सुनो, अहमदुल्ला, वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए यू नीड टू हैव समथिंग मोर देन पोलैरिटी. खाली पोलैरिटी तुम पानी में नहीं तुमको अलाउ करेगा घुसने के लिए. तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं बताओ मुझे. हाँ तो स्पेरिनली सॉल्युबल है मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाता होगा. एच बॉन्डिंग एल्कोहल पानी में, एच बॉन्डिंग ईथर एल्कोहल में, ऑर्गेनिक इज लाइक यू आर फ्रेंड्स विद एक्स एंड एक्स इज फ्रेंड्स विद वाई, तो तुम जो है जबरदस्ती वाई की पार्टी में घुसे पड़े हो, वाली बात हो जाती है ना. और केमिकल रिएक्शंस की जहां तक बात है, ठीक है थोड़ा बहुत लिख लिया एक लाइन भाई. केमिकल रिएक्शंस की जहां तक बात है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस की जहां तक बात है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक, आज इसको खत्म करके ही जाएंगे ताकि तुम्हारा अगले हफ्ते का टेस्ट जो है वो तैयार हो जाए अपना, ठीक है. सब इसका जम के, इसको एच, इसकी एचपी वेचपी जो भी तुम्हें इधर उधर लगानी है सब लगा के, सब खत्म खुतम करके सब इसको कर लेना भाई. एल्कोहल फ्रॉम इथर चैप्टर जो है उसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. सर, इसका प्रैक्टिस शीट भेज सकते हो? हाँ अभी भेज दूंगा इस क्लास के बाद में, पीवाईक्यू उसका शीट है इसका. तो रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के अंदर क्या है, ये पाया गया है, ये भाई साहब जो हैं ये O2 के साथ में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, O2 ठीक है के साथ में, और एच न्यू लाइट तो रहता ही है, उसके चक्कर में फिर क्या है नेसेंट ऑक्सीजन्स निकलते हैं, और वो ऑक्सीजन्स क्या है चिपक चिपक के इसमें इधर उधर क्या है ये सब काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे OOH देखो अटैच हो जाता है. तो दिस इज दिस 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 लीड्स टू परोक्साइड इंसर्शन. ठीक है तो मतलब मैं यहाँ पे लिख देना चाहिए, आई डोंट नो ये स्टफ थोड़ा सा ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग एनसीईआरटी में है कि नहीं है, कोई चेक ही करके बता सकता है वैसे इसको. बट ईथर्स ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत देर तक उनको रखने पे, ठीक है, टेक्स अप एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, टेक्स अप एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, फॉर्मिंग अनस्टेबल एक्सप्लोजिव परोक्साइड, एक्सप्लोजिव परोक्साइड, ठीक है. दीज दीज परोक्साइड्स, दीज परोक्साइड्स मे कॉज एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, उसके डिस्टिलेशन के समय इनमें एक्सप्लोजन हो सकता है ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, ठीक है. फॉर प्योरिफिकेशन, जब प्योरीफाई करते हैं तो हम लोग उसे गर्म करके, उसको बॉईल करके, स्टीम में कन्वर्ट करके वापस कंडेंस करते हैं हम लोग प्योर लाने के लिए. तो फॉर प्योरिफिकेशन आफ्टर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन तो तुमने कर लिया लेकिन जब प्योरीफाई करोगे 100% या जो भी परसेंटेज से ऊपर, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा. देयर प्रेजेंस, ये है कि नहीं ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, देयर प्रेजेंस कैन बी आइडेंटिफाइड, कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, बाय रिएक्शन विद Fe+2. तो कोई बताएगा मुझे Fe+2 प्लस ये जो भी शिट हम लोग ऊपर लिख रहे हैं ये, इसके अंदर ये कैसा समान है और ये कैसा समान है? Fe+2, और रिड्यूसिंग Fe+2 एजेंट, रिड्यूसिंग है और वो ऑक्सीडाइजिंग वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए Fe का क्या बन जाएगा भाई देवियों सज्जनों, है। Fe+3 Fe+3 Fe+3. और इसको टेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है भाई, सॉल्ट एनालिसिस.
बोलो बोलो, बताओ बच्चों तुम लोग सर क्या क्या जोड़ता, फिर से बोलो बेटा। एफएससी का वो ब्लड क्या प्रेशर क्या जो। बात है, क्या बात है, सोच के बता रहे हो, देख के बता रहे हो, कहीं से सर सोच के बताया सर, याद था याद है? SCN माइनस, मेरे को ऐसा सुनाई दिया कोई दबी जबान में ब्राउन रिंग बोल रहा था ऐसा कुछ, नहीं ना? सर, प्रशन ब्लू। प्रशन ब्लू, प्रशन ब्लू जो है ये है, प्रशन ब्लू भी है ठीक है। प्रशन ब्लू के अंदर क्या है ना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है ना, कि थोड़ा बाहर भी एफ ई प्लस टू एफ प्लस थ्री दोनों दोनों प्रेजेंट है। ऑथेंटिक जो प्रॉपर तरीका है उसे, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग बोलते हैं कि प्लस सी का डिटेक्शन के लिए काम आता है, वो SCN माइनस है। कलर ऋषिकेश लड़ रहे ब्लड रेड, ब्लड रेड ठीक है। और हम तो खैर ये भी जानते हैं ब्लड रेड जाता कैसे, खैर हम अलग से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, क्या करने पे चला जाता है बताओ, क्या डालने पे? एफ माइनस एक्सेस में, सॉरी एफ माइनस, एफ ही क्यों बोल रहे एफ माइनस एक्सेस में। हो? हाँ, तो खैर वो अलग बात है ठीक है। तो ये रेड कलर दे दे, तो रेड कलर फॉर्मेशन अगर आ गया ब्लड रेड, तो ये क्या करता है बताओ, ये इंडिकेट करता है कि वो शिट प्रेजेंट है, क्या पेरोक्साइड्स है उस बीकर में, पेरोक्साइड्स हैं। ठीक है, जिसको हम रिमूव करते हैं, पेरोक्साइड्स को रिमूव भी करते हैं हम लोग ठीक है। तो अगर एक बार जब इंडिकेट हो जाए प्रेजेंट है, तो इनको रिमूव करने के लिए हम लोग डालते हैं रिमूव्ड बाय ठीक है, डिस्टिलिंग ईथर्स इन प्रेजेंस ऑफ, FeSO4। तो ये रिएक्ट होता रहता है, हटता रहता है, और कॉन्क H2SO4 ठीक है। तो ये तो तुम सब लिख सकते हो ठीक है, चलो। और बस ईथर का हमें ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, ईथर की थोड़ी सी ही है। छाप लिया बच्चों, छाप लिया। तो इसकी एक जो सर डिस्टिलेशन का एक्चुअल मीनिंग बचपन में पढ़ा नहीं, डिस्टिलिंग ईथर भूल गया। बचपन में पढ़ा नहीं, ये जहां पे वाटर की कमी होती है वहां हम लोग डिस्टिलेशन से पानी बनाते थे, क्या करते सर नहीं याद आ रहा। बताओ? नहीं यार, जैसे क्या करो, एक जो सब्सटेंस को तुम लो और उसे गर्म करते जाओ, जब तक क्या ना हो जाए उस वो बॉयल हो जाए ठीक है, और बाकी इम्प्योरिटीज छूट जाएं। अब जब बॉयल हो जाए, अच्छा बॉयल हो जाए तो बॉयल हो गया, जैसे ही हटेगा उसकी वेपर्स हटेंगी, उनको वापस ठंडा कर लो, और तुम्हारे पास में क्या है उसे अलग कर लो। तो हम सी वाटर का डिस्टिलेशन करते हैं ना ड्रिंकिंग वाटर के हाँ हाँ लिए, हाँ याद है याद है। सर क्योंकि नमक का बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा है वाटर से, तो यहाँ पे किसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है बताओ? ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, हाँ सर तो ईथर्स के प्योरिफिकेशन के लिए स्पेशली डिस्टिलेशन हम लोग यूज करते हैं ठीक है। ठीक है सर। जैसे एक तुमने अभी रिएक्शन देखी, रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नंबर टू, वैसे ही है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजन्स। और ये भी बस थोड़ा थोड़ा बस ध्यान रख लेना, देखो ये जो रिएक्शन है, जैसे को इसमें ये वाली पोजीशन अल्फा है, ये पोजीशन बीटा है, ये पोजीशन अल्फा है, ये पोजीशन बीटा है, तो इसको अगर मैं Cl2 के साथ में छोड़ दूं, थोड़ा गर्म कर दूं, तो ये पाया गया है चेन रिएक्शन है बच्चों इसका ठीक है। मैकेनिज्म तो क्या लिखे बताओ, चलो ठीक है, ये Cl यहां और यहां लग जाता है, अगर मैं इसको डार्क में रखूं तो एक एक लगेगा ऐसे,
और अगर मैं Cl2 और HNu कर लूं, मतलब मैं यहाँ पे गर्म करने के साथ में लाइट खोल लूं भाई, तब तो ये FRS कर करके वाट लगा देगा उसकी बिल्कुल। एंड क्या बन जाएगा देखो, 1 Cl, 2 Cl, 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 Cl ही Cl आ जाएगा सब जगह भाई। C2Cl5O बन जाएगा। सर ये क्लोरीन की खासियत है या कोई भी हेलोजन? नहीं, कोई भी हेलोजन नहीं, देखो F2 ला नहीं सकते, ये सिर्फ क्लोरीन के लिए ही है ज्यादातर। ठीक है वैसे सी ओके एल टू बी आर टू आई टू तीनों करना शुरू हो जाएंगे, बट बेस्ट क्लोरीन है, ठीक है, बिकॉज सी सी एल का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है। हाँ, लेकिन बी आर टू आई टू से नो रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा उससे भी। तो अब वैसे ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह वैसा ही है बच्चों, देखो बिल्कुल कैसा, जैसा वो अल्केन चैप्टर में तुम्हें पढ़ा हुआ याद होगा। स्टेप वन क्या है बताओ, Cl2 गिव्स Cl डॉट, बस Cl डॉट। स्टेप टू क्या है बताओ, तो दिस रिएक्शन जब क्या करते थे हम, स्टेप टू में बताओ चेन प्रोपोगेशन, तो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल के सामने हम क्या लेके आते थे बताओ। अब यहाँ एक नया फैक्ट ये है कि एक्चुअली इस डॉट की पोजीशन में तुम क्या सोच रहे हो कि बच्चों की ये ऑक्सीजन माइनस आई ग्रुप है, खराब करेगा डॉट को, बट वैसा नहीं होता, डॉट्स और कटाइन्स अलग अलग होते हैं। ये डॉट बनेगा यहाँ पे, यहाँ डॉट स्टेबल है, और यहां से क्या लेके निकल जाएगा बताओ, ये एच एच सी एल। एच और सेकेंड थर्ड स्टेप चेन प्रोपोगेशन का क्या होगा बताओ, ये भाई किसके पास जाएंगे भाई, CL. Cl डॉट नहीं, Cl2 हाँ CL2 सॉरी. है ना, Cl डॉट तो कम है ना, वो तो चेन इनिशिएशन तक होगा, हाँ तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बताओ, Cl, और क्या निकल जाएगा वापस से, Cl डॉट, Cl डॉट ऊपर और ये नीचे। तो अब ऐसा बार बार करते रहो, पॉलीहैलोजिनेशन हो जाएगा। चलो बहुत हो गया, अपन काम की चीज पे आते हैं। ये लिख लिया, थोड़ा बहुत लिखना था वो। ठीक ठीक है, तो मैं तुम्हें मेन नोट्स दिए हैं, सब उसी की कॉपी है, सब कुछ तुम्हें करवा रहा हूं ना, तो बस शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लेना बच्चों इसका। तो देखो थर्ड अपने पास में क्या है बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स। हम सबको ये बात अच्छे से पता है बच्चों, क्या बताओ, ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म में देखते आ रहे हैं सब जगह, कि आर ओ आर डैश पे जब जब मैं H2O करवाना चाहूं किस मीडियम में बताओ, H प्लस के एसिडिक मीडियम में, किस कौन से मीडियम में, एसिडिक एसिडिक, एसिडिक मीडियम में जब मैं इस पे, जब मैं इस पे H2O के साथ रिएक्शन करवाना चाहूं, तो तुम्हें इसको, इसमें क्या है, पानी डाल के छोड़ देना है इसको, किसी भी जगह से ब्रेक कर दो। देखो ऐसे तो O पे क्या चार्ज लाएंगे बताओ, माइनस, और R डैश पे क्या चार्ज लाएंगे बताओ, प्लस। वैसे ही इसको ब्रेक कर दो बच्चों, किसमें बताओ, ओ एच माइनस और क्या एच प्लस, और आंसर क्या आ जाएगा, आर ओ एच प्लस क्या बन जाएगा, आर डैश ओ एच, ये मेरा आंसर बन जाएगा। आर ओ एच और आर डैश ओ एच, ये तो तुमने कर लिया है एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। मतलब इतना मैं इसमें बोलूंगा, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों, जैसे सपोज मेरे पास में देखो CH3 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 O CH3 एक रिएक्शन है, और मेरे पास में CH3 CH2 O CH3 दूसरी रिएक्शन है। मैंने इसके ऊपर क्या किया बच्चों, H प्लस और H2O18 किया, ठीक है, क्या कर देता हूं बताओ, मैं H2O18 कर देता हूं, और मैंने इसके ऊपर क्या किया बताओ, H प्लस और H2O18 किया। अब ये H प्लस तो यहां पे अटैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, अच्छी बात है भाई, ओ एच प्लस इसने एसिडिक मीडियम में तो क्या बना दिया, ये बना दिया।
ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, ओ सी एच थ्री और एच और प्लस, और ओ और एच और प्लस, ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम्हें यहाँ पे चेक करना पड़ता है क्या इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल है, बताओ कहीं पे। लेफ्ट लेफ्ट वाला साइड, हाँ लेफ्ट पे तो है CME3+ हाँ, इसलिए बताओ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हो जाएगा तो इसमें मेरे पास में ये कार्बोकैटायन बनेगा और CH3OH अलग हो गया, और इस कार्बोकैटायन से बताओ क्या बन जाएगा मेरे पास में, बताओ बच्चों। एक तो क्या बन जाएगा CH3OH, और एक क्या बन जाएगा मेरे पास में ये, और इसके ऊपर ब्लैक क्या लगेगा बताओ। ओ एटीन ओ एच मतलब बनेगा आंसर दिखने में वही, बट स्टाइल चेंज हो रहा है देखो। मतलब ये O18 कहाँ पे गया बताओ, कौन सी जगह पे गया, मोर क्राउडेड लेस क्राउडेड, बहुत क्राउडेड मोर क्राउडेड, मोर क्राउडेड, मोर क्राउडेड। नीचे वाले में मैं सेम काम करूंगा और फिर मैं पूछूंगा, देखो नीचे वाले के लिए क्या इसमें कार्बोकैटायन बनना पॉसिबल है, ब्रेकिंग पॉसिबल है। पॉसिबल है, हाँ सर हाँ लेफ्ट वाले हाँ होगा उसके बाद ही लेफ्ट बता वाला, दो हाँ। डाल दो अरे पॉसिबल ही नहीं है भाई, कहाँ से तोड़ रहे हो तुम, नहीं पता नहीं। नो, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल है ही नहीं, ये कोई कार्बोकैटायन थोड़ी होता है भाई, ये कोई कार्बोकैटायन थोड़ी होता है। एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना कि तुम खाना खाने बैठोगे भाई, कोई कुछ भी थोड़ी खा लेंगे, सड़ी हुई शिट में से और फ्रेश शिट में से उठा के थोड़ी खा लेंगे भाई, दोनों ही बेकार है ना भाई। ये तो यहाँ ब्रेकिंग होती ही नहीं है, जब ब्रेकिंग होती ही नहीं है तो इसका मतलब ये ऐसे ही पड़ा रहता है मॉलिक्यूल, और इवेंचुअली कौन रशियन करने आ जाता है बताओ अटैक करने के लिए, वाटर। अब जो है अटैक किस लॉजिक पे हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है बताओ, SN2, जहां अटैक ऊपर किस जो बेसिस पे हो रहा था बताओ बच्चों, एसएन एसएन SN1। तो सेम दिक्कत यहां पे भी शुरू हो जाती है। इन सब केसेस में क्या होता है भाई, ये उल्टा वाला मेजर आना शुरू हो जाता है, जहां हमारे पास में क्या था बच्चों, ओ एच इधर आ जाएगा, और इस CH3 पे क्या लग जाएगा बताओ, CH3 पे क्या लग जाएगा बताओ, H2O18 आना शुरू हो जाएगा, OH18। मतलब यहां पे ये कहां पे गया बताओ, ये लेस लेस क्राउडेड क्राउडेड पे, लेस क्राउडेड पे गया ही। ये तुमने इसके साथ में देखा होगा ना, ये HI वगैरह के साथ में भी तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, क्यों बच्चों। जैसे इसका अगर मैं HI करूं देखो, और इसका अगर मैं HI करूं तो सेम लॉजिक लगेगा ना, इसके अंदर I माइनस कहाँ जाएगा, तो तुम्हें पहले मैकेनिज्म डिसाइड करना है, बताओ इसका मैकेनिज्म क्या है HI का, क्यों कार्बोकेटाइन SN1 है, बिकॉज यहाँ पे वो हाँ, स्टेबल एक सेकंड रुको बच्चों, हाँ बच्चों। तो ऊपर वाले में क्या था बच्चों, क्या हो रहा था, SN1 क्या मैकेनिज्म था अपना, SN, कार्बोकेटाइन क्योंकि SN1 क्यों, बिकॉज एज, स्टेबल है हाँ एट एज एटलीस्ट क्या है बताओ, कम से कम एक जगह तो मेरे को मिल रहा है, 1C+ स्टेबल है कि नहीं बताओ। तो अब बताओ मैं आई माइनस कहाँ अटैच करूंगा, जहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्मूला कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, तो इसलिए आई माइनस लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, लेफ्ट 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 जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा बताओ, आंसर ये आ जाएगा कि ये और क्या है बताओ, आई।
ये बन जाएगा। और मेरे पास में क्या हो जाएगा बताओ, दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, CH3, यहां पे क्या जाएगा, सिंपली OH। ये आंसर देखो समझ में आ रहा है क्या। और जो नीचे वाला है HI है, इसका मैकेनिज्म क्या है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर नो सी प्लस इज स्टेबल, कोई सी प्लस स्टेबल है ही नहीं ना, तो इसमें आई माइनस का अटैक, आई माइनस जब सी प्लस पे अटैक ही नहीं कर रहा, तो आई माइनस अटैक इज ऑन लेस क्राउडेड जगह पे, क्योंकि कोई रियल पॉजिटिव है ही नहीं। ये समझ में आ रहा है क्या बताओ। ऐसा कुछ देखा हुआ याद है क्या बच्चों। हाँ सर, तो इसलिए जब मैं इस पे एच लगाऊंगा तो आई माइनस कहाँ जाएगा, लेफ्ट की राइट, राइट राइट में राइट जाके अटैक करेगा, एंड एक्चुअली वो लेस क्राउडेड जगह पे अटैक होके घुस जाएगा आई माइनस का, और ये आंसर आ जाएगा CH3I प्लस, क्या बताओ, CH3 CH2 और OH, बोलो सही है। हाँ सर, मैं नीचे लेके जाऊं, हटा दूं इसे, ठीक अच्छा है। इसमें एक सेक्शन ये भी है बच्चों, वैसे देखो इसे, ठीक है, एंड दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ विनाइल ईथर्स। ये सेक्शन जो है ये थोड़ा सा क्या है, ऐसा माना जाता है कि भाई थोड़ा थोड़ा ऐसा तुम्हें वियर्ड लग सकता है, टफ लग सकता है, ठीक है थोड़ा, तो आई डोंट नो तुमने सवाल के किए हैं कि नहीं किए हैं एग्जैक्टली, मैकेनिज्म वगैरह सर ने क्या सर वही उसका नॉट सिंटैक्स ऑटोमेटाइज अच्छा किया है क्या, O18 हो सपोज जाता है। हाँ कराया, कराया H2O H+ सपोज मैंने कर दिया, बाय द वे तुम्हें पता है ना बच्चों बेसिक मीडियम में क्या होता है इसका रिएक्शन, क्यों, RO R-H2O OH- बोल दो बोल दो, गलत कर दो गलत कर दो, कमॉन बच्चों कमॉन। रिएक्शन हाँ एसेंट टू बोलो, नहीं उससे 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 पहले कौन बोल रहा था बेटा, मिसल कहाँ गया, आदित्य एसेंट टू बोल, जो मैं मेरी रिएक्शन होता है ना रिसर्च का। क्या बोल रहे हो काव्य, स्ट्रीम गया क्या बच्चों। हाँ सर, शेयरिंग बंद हो गया। अभी दिख रहा है, यस काव्य गुड, आंसर क्या है बच्चों इसका, क्यों क्यों, अरे कितना देखो समझाया याद करा बच्चों, बेसिक मीडियम में ईथर्स नो रिएक्शन करते हैं, इसीलिए तो बेसिक मीडियम में एसिटल्स और कीटल्स स्टेबल होते हैं बच्चों, देखो ना, देखो मुझे बताओ एसिटल्स और कीटल्स वगैरह क्या है, एसिटल्स और कीटल्स जेम डाई ईथर्स ही तो हैं, बोलो है कि नहीं, इसे इसको देखो 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 चीज देखो बच्चों, ये सामान क्या है, ईथर है, ये सामान क्या है, ईथर है, और ये पूरा सामान क्या है बताओ, एक्चुअली एसिटल है, व्हाट आर एसिटल्स बताओ बच्चों, जेम डाई ईथर्स, जिसे जेम डायोल होता है, तो ये बेसिक मीडियम में स्टेबल है, माने याद आया कि भाई हाँ सर, एसिडिक मीडियम अनस्टेबल है, उसी लॉजिक से ईथर्स को तुम बेसिक मीडियम में खोल ही नहीं सकते हो, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हमको ये क्लियर कितना है दृजोत बताओ। मैं जा गया। आ गया समझ आ गया, चलो
ठीक है, याद रखना है हमको। मतलब जैसे तुम्हारा रिस्पॉन्स जीता रहता है ना, मुझे समझ में नहीं आता, जैसे अगर तुम इस पे OH माइनस के थ्रू अटैक करने जाओगे ना, तो OH माइनस के थ्रू अटैक करके इसको निकालोगे ना, तो वो झगड़ लेगा तुमसे, वो बोलेगा कि क्या फायदा हुआ मेरे पे अटैक करके, बता मुझे, तेरे पे माइनस था वो आज मेरे पे आ गया, तो मैं आगे क्यों जाऊं, वापस पीछे जाऊंगा, वो करेगा ही नहीं, हुई काम, ठीक है ना। चलो तो अब इसका देखो, बिनाली की थर्स का आंसर इसका ही बहुत सिंपल है बच्चों, आंसर तो बहुत सिंपल है इसका, क्या बताओ, क्या बताओ, ईथर को खोल दो डबल बॉन्ड और क्या बना दो बताओ, यहाँ पे ओ, इसको भी खोल दो और क्या बना दो बताओ, ओ, और यहाँ पे क्या लगा दो बताओ, एच और ओ एच, बोलो सही है लॉजिक, और फिर इसका क्या कर दो बताओ लास्ट में, प्रोटोमरिज्म, वो तो इनॉल है तो हो गई, ईसा ने क्लास में करवाया बच्चों, यस ठीक है, हेत हुआ है ये ऐसा, याद नहीं है। हाँ याद नहीं है मुझे तुम्हें इसमें, मुझे तुमसे इसमें एक ही चीज डिस्कस करनी है, बताओ इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म, ये पूछने के लिए बच्चों कि ये आज O18 है और ये H2O O16 है, तो कौन सा O कहाँ जाएगा, इसका आइडिया हमें होना चाहिए, समझ रहे हो ना। O16 वाला उसमें तो इसका देखो, इसका नॉर्मल क्या वाला लॉजिक, मतलब CS3 वाला चलेगा। हाँ सही बात है, इसका लॉजिक बच्चों क्या है, इसका लॉजिक इस जो बात से आता है कि इसका रेजोनेंस हो रहा है, इसका क्या हो रहा है बच्चों, रेजोनेंस हो रहा है, तो ये ओ का लोन पेयर मुझे बताओ इसके साथ रेजोनेंस में, पाई बॉन्ड के साथ में है कि नहीं है, बोलो बच्चों, देवियों सज्जनों, यहाँ प्लस चार्ज वो पे और हाँ माइनस चार्ज सर, किस पे बताओ, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, और इस स्ट्रक्चर को देख के मुझे बताओ, इस स्ट्रक्चर मुझे देख के बताओ कि जब जब मैं इसका एच प्लस से रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है, एच प्लस से रिएक्शन करवाऊंगा बच्चों, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा बताओ, तो पहले ये स्ट्रक्चर रिएक्ट करता है ऊपर वाला, नहीं, नाउ टेल मी एच प्लस कहाँ जाएगा, कार्बोकैटायन के पास में, सही बात है ना बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, O18 विद अ प्लस चार्ज, अब मुझे बताओ मुझे इसके अंदर बच्चों देखो देख के कि 1 2 3 4 इन चार एटम्स में से कौन सा एटम इलेक्ट्रोफाइल है, और कौन सा एटम इलेक्ट्रोफाइल है, ई प्लस कौन है, हाँ क्या बोला बेटा, फोर, हाँ ओके, अच्छा एक एक करके ऑप्शन देखो, देखते हैं हम लोग अपना बच्चा, देखो इसमें एक्चुअली फोर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मैं बताता हूँ तुम्हें फोर इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है, क्योंकि फोर इलेक्ट्रोफाइल के लिए सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी ओजस, हाँ सर, सिग्मा ब्रेकिंग से बेटर क्या है बताओ, इससे बेटर क्या है बताओ, बाय पाई बाय ब्रेकिंग, ब्रेकिंग टू रखो। थ्री तो नहीं है, ऑक्सीजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो कौन इलेक्ट्रोफाइल है बताओ, टू टू तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल, अब बताओ कहां पे अटैक करने जाएगा, इस पे बताओ, बोलो इस पे, टू पे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड कहां खुलने वाला है बताओ, ओ की तरफ, जस्ट लाइक किसी सी डबल बॉन्ड ओ में एक न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है बताओ, सी पे करता है, क्योंकि पाई बॉन्ड कहां खुलने वाला है बताओ, ओ पे, वैसे ही बताओ ये फ्रेगमेंट है कि नहीं बताओ, पाई बॉन्ड कहां खुलने वाला है बताओ, ओ पे, और इसलिए मेरे पास में कैसा स्पीशीज बन जाएगा बताओ, ओ, ये ओ का चार्ज न्यूट्रल, और यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, ओ एच एच प्लस, और ये वाला O18 हो गया, और वो बाहर वाला क्या हो गया बताओ, O16 हो गया, एंड नाउ दिस कैन बी सीन दैट दिस सिस्टम, इट कैन बी सीन दैट दिस सिस्टम इज एक्चुअली अ क्या बताओ, हमें सर हेमी एसिटल, सिस्टम एक्चुअली क्या बन गया बताओ बच्चों, हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल है तो एच प्लस एक्सचेंज करोगे बच्चों तो क्या बन जाएगा बताओ, ये क्या बन जाएगा, ये O18H+, ये लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे क्या है बताओ, ओ माइनस, और ओ माइनस अंदर पुश करेगा ये निकल जाएगा, सो अल्टीमेटली आंसर वही आया हमारा, गोल 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 घूम के, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ देखो, और क्या बताओ, O H18,
आंसर वही आया देखो जो ऊपर लिखा हुआ था। लेकिन इससे कंक्लूजन ये आता है कि तुम्हें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है बच्चों में से, याद कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास में एक ये ऐसा स्टफ है ओ और ये, देखो बच्चों तो मुझे बताओ ये O18 किसके साथ जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ में कि सिंगल बॉन्ड के साथ में? सिंगल हाँ बॉन्ड ये सरप्राइजिंग है, बिकॉज कोई बच्चा अगर रेजोनेंस समझ के देखेगा तो उसे क्या लगेगा, बताओ डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ पे है, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट में, सिंगल लेकिन एक्चुअली जा कर रहा है ये राइट में, तो मैकेनिज्म का असर है। तो ये यहां से ब्रेक करोगे बच्चों तुम, देखो यहां से ब्रेक करोगे ठीक है, और देखो ये दो पार्ट में ऐसे अलग करोगे, ऐसे ये वाला पार्ट अलग बच्चों, कौन सा कलर है ये? ग्रीन, और ये वाला पार्ट अलग बच्चों, क्या है भाई स्काई ब्लू? अब मुझे बताओ, देखो अब जो मामला सिंपल है, ये ग्रीन वाले पार्ट में क्या रखोगे बताओ, बाहर से H प्लस की OH माइनस? H प्लस H प्लस। और ब्लू वाले पार्ट में क्या रखोगे बाहर से H प्लस की OH माइनस? OH OH माइनस। और उसके बाद में क्या कर दोगे बताओ, टॉटमराइज? बोलो सही है। सर तो जैसे पांच सवाल दे रहा हूं, देखो मैं, दिस H2O दिस H2O18 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 देखो इतने सवालों के आंसर निकालो कुछ जल्दी से।
देखो आंसर्स क्या है भाई हमारे पास में। सबसे पहला एच टू, ऐसे तो जब कोई मार्किंग नहीं रखता तो बहुत ही सिंपल है कि पहले क्या बना दो, डबल बॉन्ड ओ एच लिख लो और ऐसा बना लो आराम से, और फिर इसका टॉटोमरिज्म करवा लो, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसको क्रेंसिल कर दो और यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा लो। सही है, जब वो H2O18 आ गया तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा तुम्हें कौन सा बॉन्ड क्लीव करना है, जहां रेजोनेंस हो रहा है वो बॉन्ड क्लीव कर देना है। तो सीधा आंसर टॉटोमरिज्म करके लिखूंगा देखो मैं, तो क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड मत लगाओ, ऐसा डबल बॉन्ड ओ ये लगा दो। बोलो सही किया है क्या? हाँ सर। ठीक है, इसमें थर्ड वाले सर में, वो O18 CH3 वो हाँ आयरन ओ एटीन कहाँ जाएगा, वो जहां तोड़ा है वहां साइड पे पे भी ओ जाएगा ना सर, इसमें लेफ्ट तो साइड में डबल बॉन्ड जाएगा, होता ही जाएगा। डबल बॉन्ड होके जाएगा। ठीक है, हाँ थर्ड वाले में अच्छा याद रखना बच्चों, याद रखना भैया, करवा मत देना है यार। फोर्थ वाले में कहाँ से तोड़ू बॉन्ड, लेफ्ट की राइट? राइट सर, राइट राइट, इसलिए वो 18 भी राइट में जाएगा और वहां पे कीटोन बन जाएगा। तो बताओ मैं डायरेक्टली ये लिख दूं, डबल बॉन्ड ओ और 18, आंसर क्या हो जाएगा ओ एच? कौन सा बॉन्ड तोड़ू, लेफ्ट की राइट? राइट में क्यों क्लीव हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? ऊपर में राइट में क्यों क्लीव हुआ बॉन्ड। उसी रीजन से ना बेटा, ओ ने इसके साथ रेजोनेंस किया। अब बेंजीन के साथ तोड़ना तो बहुत मुश्किल है ना, सिंपल पाई बॉन्ड तो टूट के यहाँ पे जाएगा, फिर इससे वो अटैक होगा, वही सारा ऊपर की कहानी। देखो ना हमने क्या सीखा अभी, कहाँ से ब्रेक करना है बताओ तुम्हें, लेफ्ट राइट साइड से मतलब नहीं है ना बेटा। अरे ये देखो, ओ का लोन पेयर जिस तरफ रेजोनेंस कर रहा है उस साइड तोड़ोगे ना भाई। अच्छा समझ रहे चंद्रायन, तभी तो थोड़ा हमने सेकंड एग्जांपल में तो यही किया, तुमने सेकंड में लेफ्ट राइट करके क्यों याद किया भाई, रेजोनेंस कहाँ हो रहा है बताओ, लेफ्ट में हो रहा है कि राइट में हो रहा है? तो लेफ्ट से तोड़ दिया मैंने उसे और वो 18 घुसा दिया है। अब यहाँ ओके रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, लेफ्ट की राइट? राइट तो राइट से तोड़ूंगा ना उसको मैं। हाँ सर, तो O18 लेफ्ट वाले में नहीं आना चाहिए। अभी तो राइट तोड़ा है तो ओ एटी लेफ्ट में घुस जाएगा, तोड़ा है जहां से मैंने वो ऑक्सीजन कार्बन तोड़ा ना बेटा। बोलो हाँ तो ऑक्सीजन पे क्या चिपकेगा, एच की ओ एच भाई, H तो ओ एटीन तो राइट में गया ना भाई। अच्छा H2O में था 18। हाँ ये तोड़ा तुमने एच टू ओ को कैसे तोड़ा बताओ, एच प्लस में तोड़ा और ओ एटीन एच माइनस में तोड़ा, ऐसे मान लो ना यार। हाँ सर तो ओ एटीन तो राइट में जाएगा, कार्बन की तरफ जाएगा ना भाई। इसे बताओ कौन सा बॉन्ड तोड़ा चंद्रायन, लेफ्ट की राइट? राइट राइट वाला तोड़ा ना भाई तुमने, तो राइट राइट साइड में जो कार्बन है उस पे क्या जाएगा, ये ओ एटीन। अब उसका O18 सॉरी 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 उसका ओ एटीन कहाँ पे उल्टा बनाया है, तो राइट साइड में जो कार्बन है उस पे वाटर का ओ जाएगा और लेफ्ट साइड वाला जो कार्बन है उसके पर ओरिजिनल ओ चला जाएगा जो जो लगा हुआ था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एटीन और एल्कोहल, और इधर क्या आ जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड ओ। ये बेसिकली जो अटैक कर रहा है वो राइट मतलब जिस पे जिस साइड रेजोनेंस पे उस साइड अटैक उस साइड हाँ अटैक हाँ वही तो ऊपर लिखा है, यही तो यहाँ समझाया था। ये दो जो डिफरेंट कलर बनाए हैं इसको देखो ना भाई, क्या बनाया मैंने, कहाँ से इसको अलग अलग किया है, कार्बन पे ओएच लगाते हैं, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगाते हैं। इसका आंसर बच्चों सारे बॉन्ड्स खोल दो भाई, तो इसमें इसमें इस तरफ क्या आएगा बताओ, ओ एच बीच में डबल बॉन्ड हो। बीच में, अच्छा बीच में ऐसे लगा दो, बच्चों की तरह ऐसे खेलना है, जैसे दो ओ एच और यहाँ पे ओ एच। अब ये जेम डायोल बन के क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ। डबल बॉन्ड हो और इसमें इसमें भाई इसमें कोई रेजोनेंस वेजोनेंस नहीं है भाई, तो
तुम्हें पता है हमने क्या सीखा? बेंजीन का और ओ का बॉन्ड कभी नहीं तोड़ने का। बोलो, समझा कि नहीं समझा? बेंजीन का और ओ का बॉन्ड बच्चों कभी नहीं तोड़ने का, इसलिए बताओ क्या होगा इसके अंदर? सिर्फ एक ओ रिएक्ट करेगा। कौन सा वाला? बी। ऊपर ऊपर वाला। वाला और इसमें एच, इसमें ये ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? बेंजीन के साथ कि CH3 के साथ? बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ और नीचे वाले का क्या करना है भाई? कुछ कुछ नहीं, रहने दो। नहीं। OH OH प्लस क्या बताओ? CH3। OH, ये समझ में आया क्या? बताओ। सही है। तो अच्छा, राइट की चीज है। हाँ बताओ बच्चों, अब तो खैर क्लियर ही है। इसका इसका क्या बनेगा बताओ? CH3 पे क्या लगेगा? ओ की आई आई। ओ की आई 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 आई। यहां बेंजीन, ये ओ जो किसके साथ जाएगा? बेंजीन के साथ कि राइट के साथ? बेंजीन बेंजीन के साथ। तो डेफिनेटली ओ पे क्या लगेगा? एच। और कार्बन पे क्या हिस्से में आएगा बताओ? आई। यहाँ पे तीनों जगह बेंजीन के साथ क्या जाएगा बताओ? एच ओ। ओ एच ओ एच ओ एच। क्या बन जाएगा बच्चों ये? और क्या बन जाएगा? CH3 आई। इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? आ रहा पैरों के लाल। ठीक है, तो बच्चों यहां पे कुछ एक चीजें जो है, मतलब बस अब लास्ट की रिएक्शन से देखो बच्चों इसकी क्या, कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है अगर हम लोग इसे मौका दें परफॉर्म करने का। सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। तो अगर मैं इसमें AlCl3 लगा दूं, और तुम्हें रिएक्शन ये पता है कि नहीं पता? नहीं मुझे पता, पता है कि नहीं पता नहीं है मुझे, लेकिन तुम खुद से सोच सकते हो इसका आंसर क्या आएगा। AlCl3 अगर मैं लगा दूं तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है? एल इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है? Al पे। Al के अंदर क्या घुसाऊं? सी एल सी ये न्यूक्लियोफाइल कहां घुसाऊं? सी सी डबल सी बॉन्ड कार्बोनिक ओ है सी कार्बोनिक पर। तो इसको लेके इस पे घुसूंगा, इसको ऊपर करूंगा, नीचे पुश करूंगा, Cl लेके रवाना कर देता हूं। लास्ट आंसर क्या आ रहा है मुझे बताओ तुम? क्या बन गया बताओ? देखो मजाक मजाक में क्या बना लिया मैंने? ओ प्लस। अब भाई फंस गए हम तो। ओ को प्लस मोड़ी छोड़ना है, क्या करूं? सर एक सीएल अटैक करके बोलो। एक Cl अटैक कर देगा। मतलब ये कि जो तुमने AlCl4- बनाया था, ये AlCl4- वापस टूट जाएगा किसने बताओ? Cl- में और AlCl3 में। और अब मुझे बताओ, ये O प्लस तीनों बॉन्ड्स को जब पुल करता है अपनी तरफ, इसको भी, इसको भी और इसको भी, तो ये तो रिवर्सिबल है, वापस चला जाएगा। बचे ये दोनों पार्ट्स देखो, तो इसमें ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं बताओ? एटम। तो ये Cl कहाँ अटैक करेगा बताओ? इसी पे। और क्या बनाएगा बताओ? क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? लास्ट आंसर क्या है इसका? CH3 C डबल बॉन्ड ओ ओ ET प्लस क्या बताओ? दिस Cl। CH3CH CH3 CH2 Cl। हाँ CH3CH सर पर इसका ईल उतना ज्यादा नहीं होगा ना, क्योंकि क्यों? वो नॉर्मल कार्बन नेचुरल इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो पाएगा। हम ये क्या बोलते हैं अपन लोग बेटा, Cl- से अपन अच्छा ठीक ठाक SN2 करते हैं बाय द वे।
सीएल माइनस की वजह से उसको इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हैं। हाँ, और ओ प्लस जो है ये काफी मतलब डिसेंट लिविंग ग्रुप है, बिकॉज उसके पीछे विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ना। हाँ, ओ प्लस ही मिलता है। हाँ हाँ, तो उसे अंडरस्टिमेट मत करो ऐसे। इसी जो है लॉजिक से बताओ नीचे वाले का आंसर क्या है, बताओ, बोलो भाई दिव्य सज्जनों, कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम इस पे गिरा दो। नीचे वाले का इसका आंसर मतलब वापिस यार वॉट ओ एंड देगा क्या नंबर्स की ओ आर सीएल जो को? चीजें वो निकल जाए। हाँ, मेरे को दो, जैसे जैसे देखो अभी देखो इसका आंसर मैंने क्या याद करा बताओ, मेरे को इसका आंसर ये समझ में आया कि मैं एक पार्ट को अटैच कर दूंगा उस पे और एक पार्ट को अटैच कर दूंगा इस पे, तो मतलब क्या बनता है, एस्टर और अल्काइल हलाइड, समझ में आया बताओ? नीचे वाले के दो प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं बताओ? एस्टर और दोनों सेम ही बन रहा है, दो एस्टर बन दोनों रहा है, सेम एस्टर बन जाएंगे। CH3 और ET। गुड, हाँ दिखाई दे रहा है ये, हाँ सर, बत्ती दिख रहा है ये, हाँ सर, तो टू हमारे पास में ये बन जाएगा। ठीक है, लगे हाथ बच्चों, मैं बस एक बार ये याद दिला दूं, ये इपॉक्साइड्स का मामला तुम्हें क्लियर होना चाहिए। इपॉक्साइड्स के अंदर ये, अब ये स्ट्रेंड ओ होने की वजह से दिस कैन रिएक्ट विद डैश, जो कि विच वॉज नॉट पॉसिबल विद दिस। OH बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा। हाँ वाह, होशियार हो गए बच्चे तुम लोग, तो OH माइनस से अब रिएक्ट करेगा बिकॉज उसकी बैंड बजी पड़ी है। अब OH माइनस कैसा अटैक करने वाला है बताओ, मेकैनिज्म क्या है इसका? SN2 SN और इसलिए अटैक कहाँ होगा, वन की टू? टू 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 तो हमें यहाँ पे अब नियम याद करना है, शायद तुम्हें नियम पता है, क्या बताओ बच्चों, कि अगर तुम इसके अंदर क्या करते हो बताओ बच्चों, अगर तुम न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम का न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो कहाँ अटैक होगा, वन की टू? और अगर तुम H एच प्लस के साथ में कोई न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो कहाँ अटैक होगा, वन की टू? प्लस के साथ 1 इस पे, वजह नहीं से क्या प्लस होता है, के साथ 1 पे और न्यूट्रल के साथ 2 पे। हाँ तो ये क्लियर है ना बताओ बच्चों? सर, तो जी इसलिए सर, जैसे इसी चीज में अगर मैं ETOHH+ से अटैक करूं, उल्टा लिख दिया ना, ETOH ETO- से अटैक करूं और ETOHH+ से अटैक करूं तो दोनों के आंसर्स बना दो। बना दिया, हाँ सर, हाँ सर, हाँ चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ETO माइनस ETOH का आंसर हो जाएगा ये और इधर क्या आ जाएगा, O माइनस और ये, और इस पे इधर क्या आ जाएगा, OET। बोलो सही है, और इसका आंसर आ जाएगा ये और इधर क्या आ जाएगा, OH और इधर क्या आ जाएगा, OET।
बोलो सही है। देखो बच्चों, तो जल्दी से इसके अंदर फिनॉल्स अगर हम देखें तो मैं कुछ एक रिएक्शन देखो, मैं डायरेक्टली हम लिख देता हूं। मैं यहाँ पे देखो, बेंजीन के ऊपर जब हम लोग बच्चों V2O5 डालते हैं, तो अगर थोड़ा हीट करोगे इसको 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक, तो ये भाई साहब क्या बना देते हैं, फिनॉल। बाय द वे, अगर तुमने उसे ज्यादा हीट किया, V2O5 से 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, ठीक है, तो ये बना देता है। तो ये एक तरीका फिनॉल बनाने का। सेकंड तरीका फिनॉल बनाने का क्या बताओ, डाइजोनियम सॉल्ट से। क्या करके, डाइजोनियम सॉल्ट से बच्चों। तो बेंजीन पे पहले क्या डाल दो बताओ, मिक्सचर ऑफ एसिड्स। ये नहीं मिक्सचर ऑफ एसिड्स तो यहां पे क्या लग जाएगा बताओ, बेंजीन पे NO2। फिर NO2 को रिड्यूस करो, क्या डाल दूं बताओ, SN+HCl, SiNH4 नहीं, SN+HCl। क्या बन जाएगा, NH2। अब उसे क्या कर दो भाई, डायजोनियम HNO2 N2+। और अब N2+ को OH से लगाना है तो क्या कर दूं, वाटर या NaOH। ये एक तरीका जो कल हम लोग देख रहे थे शायद लास्ट क्लास में बच्चों, डाउज प्रोसेस, जो जिसने बहुत ही कंफर्टेबली बोल दिया बिना किसी शर्म के सर हटा दीजिए, वो हम लोग 623 केल्विन और 200-300 ATM रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई। ये एक तरीका, फेंटन्स रिएजेंट, नाम सुना है क्या, नहीं सुना है, Fe4+H2O2। नहीं सर, हाँ वो तो कहीं है, सुना, सवाल नहीं में आया था, सर, किसमें आया था, कहीं तो सवाल किया था उसमें भाई। अच्छा फेंटन्स रिएजेंट होता है Fe4 और H2O2 बच्चों, Fe4 और H2O2, बेंजीन प्लस Fe4+H2O2 अगर है बच्चों, तो ये हमारे पास में डायरेक्ट क्या बनाता है भाई, फिनॉल। ये एक तरीका। सही है ना भाई, तो इन सब तरीकों के अलावा एक तरीका बच्चों हमारे पास में है जो एनसीईआरटी में है, कौन सा, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड रीअरेंजमेंट। क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड मेथड, और तो ये है क्या बताओ, सबसे पहले क्यूमीन इज कन्वर्टेड टू क्या बताओ, मतलब पहले देखो इसका तरीका क्या है, बेंजीन को हम लोग पहले किसमें कन्वर्ट करते हैं बच्चों, क्यूमीन को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं बच्चों, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। तुम लोग फिर क्या करते हैं बताओ, ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट H2SO4, याद आ गया क्या बच्चों,
इससे क्या बन जाता है? फिनॉल। फिनॉल। और फंडा बहुत क्लियर है भाई। पहला प्रश्न देखो, पहला नंबर वन, नंबर वन कैसे करते हैं? नंबर वन में हम लोग करते हैं कि बेंजीन लो, फिडल क्राफ्ट। फिडल क्राफ्ट करवा दो एच प्लस एसिडिक मीडियम में। तो ये एच प्लस जो है ये तो भाई कैटलिस्ट है, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा बताओ? कार्बोकैटायन। और बेंजीन पे ये क्या कर लेगा बताओ? ईएएस। ऐसा बच्चों सही है, ईएएस ये बन जाएगा, ईएएस। और नंबर टू, चलो वन बन गया, इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड क्या बताओ? क्यूमीन। अब नंबर टू, इस क्यूमीन के साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों बताओ? ओ टू ओ टू ओ टू। तो ओ डबल बॉन्ड ओ, बच्चों ओ डबल बॉन्ड ओ की रिएक्शन होगी, ओ डबल बॉन्ड ओ की रिएक्शन होगी, और इसको जो है हम लोग यहां का जो एच है इसके अंदर बच्चों क्या होगा? इसके अंदर फ्री रेडिकल जनरेशन होगा, यहां पे क्या बन जाएगा? डॉट। तुम्हें याद है ये डॉट कैसे ओ टू से, ये एक्चुअली एक्चुअली कौन ले गया भाई? ये ओ टू जो है टूटा, ये किसमें कन्वर्ट हुआ बताओ? ये ओ डॉट में चेंज हुआ, और क्या लेके चला गया बताओ? ये लेके एच चला गया एच डॉट एच लेके ओ चला। ओ डॉट, ठीक है, एच ओ ओ डॉट। अब क्या होगा भाई? प्रोपोगेशन होगा। प्रोपोगेशन होगा तो क्या होगा भाई? प्रोपोगेशन होगा तो ये डॉट वापस किस पे अटैक करने जाएगा बताओ? ओ टू ओ टू। और इससे क्या बनाएगा बताओ? ये ओ डॉट। और ये डॉट वापस किसके पास जाएगा बताओ? क्यूमीन। एच क्यूमीन क्यूमीन। देखो बात ध्यान रखो, एक डॉट को एक मॉलिक्यूल मिलने के चांसेस ज्यादा है ना भाई, किसके पास जाएगा बताओ? क्यूमीन। हाँ क्यों और वापस क्या बना लेगा बताओ? मीन क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। और बगल में क्या छोड़ देगा बताओ? वापस से रेडिकल। तो ये रेडिकल कहाँ बताओ? ऊपर। और ये कहाँ? नीचे। और थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है बताओ बच्चों? कि इस क्यूमीन का हाइड्रोपरॉक्साइड जो है OOH, इसको हमने किसके साथ गर्म कर दिया बताओ? एच प्लस एच प्लस। तो ये क्या बन जाएगा? ओ एच क्या बन जाएगा बताओ? एच टू ये, प्लस बन के निकल जाएगी। हाँ, ये ओ एच टू प्लस बन के निकला। ये बोल रहा है भाई, नहीं, बोल रहा है भाई मेरे को माफ कर दे भाई। एंड जैसे ही ये बन के निकला, हमारे पास में पोटेंशियल स्पीशीज क्या बन गई बताओ? जो नाइट्रीन में सब करा देते हैं, पूरा रीअरेंज करा देगा। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर है कि नहीं बताओ? तो जैसे जस्ट लाइक हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट में हम लोग रीअरेंज करवाते हैं, ये बोल रहा है कि मैं लोन पेयर दे दूंगा बट मेरे को ग्रुप माइग्रेट करके दो। तो ये कार्बन से डिमांड कर रहा है कि अबे तेरे को कच्चा खा जाऊंगा मैं, तू मेरे को जानता नहीं है, मेरे को किसी भी हालत में इमीडिएटली एक ग्रुप चाहिए जो मेरी प्यास शांत कर सके, ये ले लोन पेयर। कार्बन इज लाइक ओके डूड रिलैक्स, ऐसे क्यों बोल रहा है? तो इसके पास में क्या क्या सामान है? एक सी एच थ्री, एक सी एच थ्री, और एक क्या है बताओ? पीएच तो ये तुरंत किसको भेजेगा बताओ? अराइल ग्रुप। पीएच दिस लीड्स टू क्या बताओ? ओ इधर को लग गया बताओ बच्चों, बेंजीन इधर क्या आ गया? सी सी। और इस प्लस को तुरंत किसने स्टेबलाइज कर दिया? इसको ने स्टेबलाइज कर दिया। स्टेबलाइज कर दिया। और अब ये स्टेबलाइज करने के बाद में, अब मुझे बताओ, जब मैं इसके ऊपर पानी डालूंगा H2O, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रोफाइल कौन है भाई? तो गुड, टू, क्योंकि पाई बॉन्ड कहाँ टूटेगा? इसकी तरफ, H2O इधर। और ये सिस्टम क्या बन जाएगा बताओ? बोलते जाओ, बोलते जाओ, चुप मत हो, सिस्टम क्या बन गया ये?
हेमी हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एसिटल हेमी कीटल, इसलिए ये तुरंत डिसइंटीग्रेट कर जाएगा और क्या बना देगा बताओ, डबल बॉन्ड हो और क्या बन जाएगा, फिनोल। बोलो समझ में आ गया क्या? हाँ तो बताओ मुझे एक सिंपल सा जवाब, जैसे तुमने कर लिया होगा ये सब, ये ओ टू एच न्यू एच टू एस ओ फोर एच टू ओ क्या बनेगा बताओ? फिनॉल प्लस वो जो बचा हुआ है उस पे डबल बंदो हाँ, फिनॉल प्लस ब्यूटेन टू ऑन ब्यूटेन टू ऑन यूटेन टू ऑन, जैसे तो सेम रिएजेंट्स क्या बन जाएगा बताओ? नीचे क्या बनाया आपने? नीचे मैंने बनाया है NO2, सर फिनॉल और उसके फिनॉल अलावा वाला। प्लस जो बचा हुआ उस पे डबल बॉन्ड। हाँ डबल हाँ, बॉन्ड ये ट्रिक देखो, ये बढ़िया काम करती है अपना। ये वाला हिस्सा जो है इसको ले जाओ और यहां पे क्या घुसा दो भाई, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है कि नहीं बताओ बच्चों, है ना? और ये हिस्सा जो है बचा हुआ सारा, इसको साथ में क्या बना दो भाई, NO2 और डबल बॉन्ड हो। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जो ऋषिकेश तुम गलत करोगे। देखो H2O क्या 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 सेवन नंबर रिंग बीच में ओ और उसके अल्फा पोजिशन पे ओ क्यों? देखो ओजस, ये भूल गए, नहीं क्या हाँ क्या बच्चों क्या ये ओ, और अगर तुमने H2O बाहर हटा दिया, ओ प्लस पे ऑप्शन एक है ये बॉन्ड, ऑप्शन दूसरा बॉन्ड, ओजस ने बॉन्ड एक्सपैंड करवा दिया, ये भूल गया कि एच पी तो है, तो क्या करो बताओ? इस ओ का लोन पेयर दो इसे, और इस एच को ही क्या करो बताओ, माइग्रेट करा के यहां पे ले आओ, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, और अब वाटर पे अटैक करवा के जेमडार बना के टाइम मत वेस्ट करना, ओ एच ओ एच दो लगा के सीधा ही क्या कर दो यार, इस एच को प्रोटोनेट, एच को बोलो हो गया तेरा काम, तेरा काम बस इलेक्ट्रॉन लाना था पहली बार में, अब कोई रोल नहीं है तेरा, ये आंसर है। बोलो समझा क्या? तो हम लोगों ने देखो अब तक लगभग यहां तक कर लिया है, ये अपना वो है क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड अरेंजमेंट है बच्चों, और इसके अंदर क्या है कि ये सब जो है बच्चों प्रॉपर्टीज फिनॉल्स की तुम लोग रीड तो खैर कर ही लोगे,
ठीक है, नॉट एफिशिएंटली सॉल्युबल इन वाटर क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है, ठीक है, लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और NO2CHOCOR एक्सेट्रा, ठीक है, अगर हो हमारे पास है तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पॉन्डिंग हो जाती है अगर ऑर्थो पोजिशन पे है तो, जिससे जिससे सॉल्युबिलिटी फर्दर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कोई पूछता है कि सॉल्युबिलिटी में क्या चेक करना है, इस बात का जवाब दे रहा है बच्चों कि थोड़ी बहुत फिनॉल की सॉल्युबिलिटी रहती थी, वो किस लिए रहती थी बताओ, बिकॉज ये ओ का एच क्या करता था भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे तुमने अगर NO2 लगा दिया तो रहा साहब वो भी क्या हो जाएगा बताओ, बंद हो जाएगा, ये समझा, मेकिंग देम मोर वॉलेटाइल एंड दस दे इजिली अंडरगो स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है देखेंगे बाद में, ठीक है। फिनॉल्स क्या है, कलरलेस लिक्विड्स हैं, एक्सपोजर टू एयर इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं, और जनरली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ये होता है इसका, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद FeCl3, तुम्हें पता है कि बच्चों एल्कोहल्स और फिनॉल्स FeCl3 के साथ में कलर्ड कॉम्प्लेक्स देते हैं, जानते हो क्या, फिनॉल फॉर्म वाटर सर सॉल्युबल वो एल्कोहल, वायलेट पर्पल वॉयलेट, वायलेट हाँ एम विच डायनेट्रो इज, बेंजीन होगा। हाँ विच इज वॉयलेट इन कलर, एंड द सपोजेड रीजन इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT, पर ठीक है। और कैन टेस्ट में लिखा था बच्चों अपन ने, शायद नोट किया था ना बच्चों, एल्कोहल होता है तो क्या कलर देता है, सेरिकामोनियम नाइट्रेट टेस्ट, रेडिश थोड़ा, और फिनॉल है तो कैसा कलर आ रहा है, ब्राउन, ठीक है। सम रिएक्शंस देखो बहुत सिंपल है, देखो बच्चों इसे मतलब तुम देख के अपने आप ही आ जाएगा, देखो OH की रिएक्शन बच्चों Na के साथ में कैसी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी टू NaOH के साथ में, कैसी रिएक्शन होगी, कैसी रिएक्शन होगी, एसिड बेस, H2O कैसी रिएक्शन होगी, एसिड बेस नॉन रेडॉक्स। Br2 वाटर के साथ में याद है जो ट्राई सब्स्टिट्यूशन ट्राइब्रोमो, Br2 वाटर डीक्रिस्टलाइज हो जाएगा, Br2CH2 के साथ में लिमिट कर देता हूँ। नो मोनोसल्फिडिक, नो मिक्सचर ऑफ एसिड्स के साथ में माँ ट्राई नाइट्रो, हेलो ट्राई नाइट्रो हाँ क्या सर बन देख जाएगा, रहे एसिड। H2S2O7 के साथ में सल्फोनेशन आ जाएगा, सल्फोनेशन। अच्छा डाइल्यूट HNO3 के साथ में क्या होगा बताओ, मोनोनाइट्रेशन, याद है क्या हाँ सर ये तो याद होगा, जिंक डस्ट डायरेक्ट क्या बन जाता है, बेंजीन, बेन हाँ Me2SO4 के साथ में। अब बताओ Me2SO4 में लिविंग ग्रुप है कि नहीं बताओ, ये एस डबल बॉन्ड ओ और Me, इस पे Me पे कौन अटैक करेगा बताओ, फिनॉल के ऑक्सीजन का लोन पेयर तो क्या बन जाएगा, एनी सोल, याद आया बच्चों, इनफैक्ट ये तो सबके लिए ही है ना भाई, कोई भी ROH होगा तो क्या बन जाएगा, ROME, अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले ईथर फॉर्मेशन में, CH2N2 के साथ में अभी देखा थोड़ी देर पहले हमने ईथर फॉर्मेशन में, क्योंकि हाँ पहले क्या रिएक्शन होगी, एसिड बेस, सेकंड क्या रिएक्शन होगी, SN2, बोलो सब समझा गया, हाँ सर सब समझाइए सक्षम, ठीक है भाई। तो नाइट्रेशन एक अगर छोटा सा डाउट था, हाँ राइमर-टाइमर में भी कार्बीन फॉर्मेशन से आगे बढ़ते ना, बट उसमें हाँ हाँ तो बढ़ते हैं उसमें बढ़ते हैं, और CH2N2 वाले में क्या डिफरेंस है? क्योंकि वो बेसिक मीडियम में है ना, अभी आ रहे हैं रुको देखते हैं, वहां पे एच प्लस है ही नहीं उसको देने के लिए ना, NaOH पहले लेके जा चुका है, एच प्लस अच्छा सारा चेंज हो जाएगा, एच प्लस लेके जाने से ओ माइनस बनेगा, राइमेटिमन में ओ माइनस किसको ज्यादा एक्टिवेट कर देगा बताओ, नीचे वाले कार्बन को, तो अटैक ओ माइनस नहीं कर रहा है उसमें, कौन कर रहा है, कार्बन कर रहा है, हाँ ठीक है सर, तो बाकी तो ठीक है। चलो एनिसोल प्रिपरेशन तो हमने कर ही लिया, देखो अच्छा देखो देखो ये भी सिंपल है, पहले NaOH से क्या करो बताओ,
एसिड बेस क्या बना दो बताओ, ओ माइनस। और फिर इस ओ माइनस से किस पे अटैक कर दो बताओ, SN2। वही ठीक है सब देखो वापस से रिपीट हो रहा है, देखो वही सब, वो Me2SO4 देखो वही सी एक्शन है, सेम सेम है बच्चों, सेम है ना। देखो वापस से CH2N2 वही सेम, एसिड बेस फिर SN2 सेम है बच्चों। शॉर्ट एंड कॉमन याद है क्या बच्चों, शॉर्ट एंड कॉमन क्या होता था बच्चों बताओ, COCl CO। उठो 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 बच्चों उठो, बस 5 मिनट, 5 मिनट खत्म करना है जल्दी से इसको, देखो ज्यादा नहीं बचा है, ज्यादा है क्या, नहीं ज्यादा नहीं है, कितना ही है। अरे इसमें आधी चीजें तुम्हें आती है, तुम्हारे टाइम पास कर रहे हो। देखो शॉर्ट एंड कॉमन हुआ है ना बताओ, ROH का O का अल्कोहल इस पे अटैक कर देता था, CO पे, खुलेगा बंद होगा और Cl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, एस्टर अच्छा एस्टर एस्टर, जरूरत नहीं है AlCl3 की। उसी तरह अगर नाइट्रोजन एनिलीन होगा तो भी बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा इससे, हमाइड। अमाइड द फेमस राइमरडिमन, द फिनॉल व्हेन हीटेड विद CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉर्म सैलिसिल्डिहाइड। मैंने जितने लोगों को हाइड्रोकार्बन पढ़ाया है बच्चों, याद करो तुम सभी को मैंने अल्कीन चैप्टर के लास्ट में, या किस किस चैप्टर के लास्ट में, मैंने NaOHCLCl3 के तीन तीन मैंने रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करवाए हैं बच्चों। कौन कौन से तीन रिएजेंट्स थे आदित्य मिसल भाई, एक याद था नहीं। याद नहीं आ रहा, कौन कौन से तीन रिएजेंट्स थे भक्ति, याद नहीं आ रहा, एक, नहीं अरे क्या बात कर रहे हो, एक था फिनॉल, देखो ये देखो, दूसरा था मैं तुम्हें तो याद दिलाता हूं, दूसरा था ये एनिलीन, और तीसरा था एबनॉर्मल राइमरडिमन, ये, अरे हट ना यार, हाँ ये याद नहीं आ रहा, ये हाँ सर, आपने वो ऐसा तीन बोर्ड भर दिया दो ना। कॉलम बनवाए थे। हाँ मैंने बोर्ड पे तीन पार्ट डिवाइड करके तुम्हें समझाया था क्यों हाँ क्या कौन क्या कर रहा है, उसमें ये एबनॉर्मल में ये कंपाउंड नहीं था, बस वो कंपाउंड 5 मेंबर्ड ये था, कार्बन था यहाँ पे बस, 2H वाला, हाँ उसमें KOH डाला था। तो OH माइनस से पहले इसका भी एसिड बेस करवाया, इसका भी एसिड बेस करवाया, फिर रिंग को एक्सपैंड करवाया, यहाँ पे टोपी बना के इधर गोल घुसा के, पूरा मामला देखो ये रहा, देखो देखो ऐसा कुछ किया था हमने क्लास में, तुम लोग अब नॉन रिसेप्टिव जोन चले गए हो बच्चों। तो फिनॉल का तो याद ही है बच्चों, क्या हो जाता है बताओ, CHCl3NaOH से CCl3- बनेगा, CCl3- बनेगा। अब देखो सुनो, आप मैं जाएंगे तो उसको खत्म करके, ठीक है जो भी है वापस हम अल्कोहल फिनॉल नहीं लेंगे, तो जिसका जिसको लगता है तो देख लेगा बाद में सब ठीक है तो जा सकता है, बाकी इसको देख लो, CCl3- बनेगा, Cl- निकल जाएगा तो CCl2 बनेगा इसके अंदर, ठीक है ये क्या है बच्चों बताओ, ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, और NaOH ने इससे भी रिएक्शन कर ली, तो O माइनस जो बनता है ना, ये O माइनस बेंजीन को अंदर कार्बन को इतना एक्टिवेट कर देता है कि एक्चुअली ये कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन अटैक करता है किस पे बताओ, किस पे, इस CCl2 पे, ये एक्टिवेटेड कार्बन अटैक करता है, ये पहला अटैक डिफरेंट होता है एनिलीन के केस में, ये मैंने तुम्हें समझाया था, क्योंकि एनिलीन में कोई एसिड बेस रिएक्शन होती ही नहीं है, बिकॉज उसका एच एसिडिक होता ही नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट अटैक इस CCl2 पे कौन करता है बताओ, नाइट्रोजन ही करता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन करता है, याद आ रहा है, इसलिए इसमें लास्ट तक होते होते क्या बन जाएगा बताओ, बाहर ही बाहर रिएक्शन होता रहेगा, और क्या बन जाएगा बताओ, NC साइनाइड साइनाइड बन सी जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। सी ट्रिपल बॉन्ड, लैपटॉप हैंग, आईपैड हैंग हो गया भाई,
अरे चल ना, तू भी साथ छोड़ेगा अभी, रुको। हाँ लास्ट में क्या बन जाता है बताओ? एन ट्रिपल बॉन्ड सी। ये फाउल स्मेलिंग है बच्चों, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है, ये एनसीईआरटी में है तुम्हारे। सही बात है। तो राइमेटिवन तो याद है, फिर ओ माइनस से सी एच सी एल टू बनना, सी सी एल टू माइनस से, और फिर दोनों दोनों सी एल हट के क्या आ जाएगा बताओ? ओ एच ओ एच आ जाएगा, तो लास्ट में क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, सैलिसल्डिहाइड। ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर, बट इफ बोथ ऑर्थो पोजिशंस आर ब्लॉक्ड देन क्या मेजर हो जाएगा? पैरा पोजिशन मेजर हो पैरा जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखो बेंजीन नहीं देगा इससे रिएक्शन, बेंजीन डज नॉट अंडरगो रिएक्शन विद सीसीएल टू एज फॉर्मर बेंजीन इज नॉट एक्टिवेटेड एनफ। लेकिन लेकिन अगर OH लगा रहेगा तो OH क्या करेगा? देखो बेंजीन प्लस CaCl प्लस KOH का आंसर क्या है? नो रिएक्शन, नो रिमल्टीपल। इस पे क्या लगा होना चाहिए बताओ? OH। फिर O माइनस बनने से वो रिएक्शन देना स्टार्ट करेगा कार्बन के साथ। अब जैसे बच्चों ये वाला देखो आंसर, इसके अंदर कौन सी पोजीशन ब्लॉक्ड है? पैरा, तो क्या मेजर हो गया? ऑर्थो। ठीक है, देखो ये वाला देखो बच्चों, अच्छा इसका देखो माइनर देखो क्या है, अगर माइनर में तुमने इसके पैरा पे लगा भी दिया तो पैरा का आंसर ये बनेगा बच्चों, और ये रिएक्शन यहां पे आके रुक जाएगा। अब ये टॉटमराइज नहीं कर सकता, जो कि ऊपर टॉटमराइज कर गया था बच्चों। देखो यहां पे, देखो यहां पे, देखो बच्चों यहां पे क्या हुआ था बच्चों, देखो ये वाला एच निकल गया था, और यहां जो माइनस आया था इसके निकलने से, ये माइनस चार्ज फर्दर रेजोनेंस में चला गया था, माइनस चार्ज फर्दर रेजोनेंस में चला गया था, सीसीएल टू माइनस, देखिए डबल बॉन्ड ओ, ये इधर और ये इधर रेजोनेंस में चला गया था। ठीक है, ये इधर इधर और इधर, ये काम कहाँ नहीं हो सकता बताओ? ये काम नीचे हो नहीं अल्फा एच सकता नहीं है। जहां अल्फा एच नहीं है। तो अगर मैंने बच्चों देखो, अगर मैंने ऐसी चीज दे दी तुम्हें देखो, जिसके तीनों पोजीशंस पे मैंने क्या कर दिया बताओ? अल्फा एच हटा दिए और अब ओ एच से रिएक्ट करवाया, अब बताओ आंसर क्या होगा? अब आंसर एरोमेटिक आएगा ही नहीं, तो अब ये रिएक्ट तो करेगा, बिकॉज ये एक्टिवेटेड एनफ है कि ये रिएक्ट करे, ये रिएक्ट करेगा, और आंसर ऐसे जाके अटक जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस प्लस दिस बोथ नॉन एरोमेटिक एंड प्रोडक्ट्स। सही बात है ना, बोथ नॉन एरोमेटिक आंसर्स हो जाएंगे। तो कमिंग टू दिस, देखो ये एनिलीन का केस तो तुमने देखा ही है, ना बच्चों? एनिलीन का केस तुमने देखा है? हाँ सर देखा है। देखा है ना, क्लास में देखा हुआ है। ठीक है, और देखो क्लास में क्या है ना, मैंने तुम्हें ये पिरिडीन का केस नहीं कराया है, लेकिन मैंने तुम्हें पिरिडीन के भाई का केस कराया है। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है सियामीसियन डेंस्टेट रिएक्शन, बट कोई मतलब नहीं है खैर इसका, लेकिन काम की बात ये हमने क्लास में किया हुआ है बच्चों। देखो सिमिलरली दिस मैकेनिज्म, तो बताओ पहले क्या करते थे हम लोग? NaOH से आज ये वाला एच बी एसिडिक है और CHCl3 का एच बी एसिडिक है, तो पहले ये बनाएंगे और CCl2 बनाएंगे, CCl2 से इस पे टोपी लगाएंगे देखो ये, और लास्ट में क्या है, रिंग को कोलैप्स करवा के 6 मेंबर बना लेंगे ऐसे। तो इसी के ऊपर क्या है, ये देखो एग्जांपल्स लिए हुए हैं। देखो अब अगर मेरे पास ऐसा है, एक 5 मेंबर्ड है बच्चों और एक 6 मेंबर्ड है, तो ये CHCl3 KOH से मैं क्या करूं बताओ? कहाँ टोपी लगा लूंगा बताओ? फाइव इस मेंबर्स फाइव में, फाइव मेंबर्ड वाले पे टोपी लगा लूंगा इस, मेंबर्स पे उसे एक्सपांड कर दें। और अब इसको एक्सपैंड कर लूंगा मैं, इस जो रिंग को कोलैप्स करा के सीएल को निकाल के, लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऐसा आ जाएगा। थोड़ा तसल्ली से तुम इसको अगर देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल्स, ये जोश दिली के एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, ये ध्यान रखना तुम। 3% है अपने पास में, तुम थोड़ा सा क्या है कंजूसी पे काम करते हुए बिना चार्ज किए देखो।
जब तक ये खत्म हो जाए। ये सारे एग्जांपल्स बच्चों देखना, ठीक है एक बार। बाकी क्या है देखो, कुछ एक चीजें देखो बहुत सिंपल है। प्रिपरेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड देखो बच्चों, अगर हम लोगों ने रिमर्टिमन में CHCl3 की जगह बच्चों वी यूज CCl4, तो क्या होगा बताओ? तो तुम्हारे पास में O माइनस के SN2 करने के बाद में भी मुझे बताओ C पे कितने Cl लगे रहेंगे बताओ? तीन तीन। और तीनों पे तुम क्या लगाओगे NaOH से OH OH OH, तो क्या आंसर आ जाएगा? सैलिसाइलिक एसिड मैकेनिज्म देखो सिंपल है, बोलो बच्चों। फिनॉल प्लस OH माइनस से एसिड बेस, और उसका अटैक करके क्या CCl3, टॉटमरिज्म करके ये बनाया, और NaOH HCO प्लस से ये बनाया। सर, अगर बेंजोइक एसिड से करना होता तो बेंजोइक एसिड से करना होगा, मतलब बेंजोइक एसिड तो डीएक्टिवेटेड रहेगा ना रिंग थोड़ा। हाँ, तो फिर बेंजोइक एसिड या उसे सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होगा तो। बेंजोइक एसिड में सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, तो पहले पहले अभी इस पे सोचते हैं, अभी तो अपन टाइम ना लगाएं इस पे 3% पे। तो ठीक है, सर तो यूजेस ऑफ सैलिसिलिक एसिड में क्या है? दिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक एस्पिरिन, सेलोल एंड ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ये तीन, एस्पिरिन, सेलोल और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ये सेलोल वगैरह एवरीडे लाइफ वगैरह में आ जाता है अभी कहीं ना कहीं, एस्पिरिन तो आ ही जाता है एवरीडे लाइफ फट गया ना। मेंस में, नहीं एडवांस में तो खैर शायद मेरे ख्याल से लिखा ही हुआ है। तो देखो बच्चों एस्पिरिन क्या है बच्चों, देखो कैसे देखो बन रहा है। देखो ये तीन रिएक्शन देखो बच्चों, तो हमारे पास में देखो CH3COCl, बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन है भाई? बोलो 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 बोलो। कार्बन कार्बन। कार्बन इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन है बताओ? OH का O OH का O, जैसा भी है वही है। OH के O से घुस के अटैक कर दो, OCOCl बन जाएगा, OCOCSC बन जाएगा। ये सामान क्या है भाई? देखियो सज्जनों, एस्पिरिन तुम्हें पता ना हो तो कोई बात नहीं, बट ये रिएक्शन दिया जाएगा तो यही बनाओगे ना बच्चों, बना हाँ सर बना दो। हाँ सर दोगे ना? ठीक है ना। अच्छा उसी तरह से ये देखो बच्चों के डाउनवर्ड रिएक्शन देखो, एच प्लस डाला मैंने, ये एच प्लस किसको प्रोटोनेट करेगा बताओ? OH, हाँ सर OH को कि COOH को? COH को क्यों COH को, क्यों OH को क्यों नहीं? सी डबल बॉन्ड पे उसका ऑप्टिकल ब्लीडिंग ऐसे नाम से सर। हाँ, और OH को निकालना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बेंजीन और O कभी भी अलग नहीं होते, सही बात है। तो COH को हटा दिया तुमने तो C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस बन गया। अब इस पे कौन अटैक करेगा बताओ? देखो ये देखो, OH को तुमने हटा दिया, OH प्लस बना दिया, अब इस पे कौन अटैक करेगा? PHOH, तो क्या बन गया बताओ लास्ट में? क्या इसने इतना टाइम पास किया है, क्या सीखा बताओ हमने? देखो 2% पे बच्चों बेंजीन OH और C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस बनाया ना तुमने, इस पे किसका अटैक कर दो बताओ? PHOH का, तो क्या बन जाएगा? COPH बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ? हाँ सर ये क्या है? सलोल। सलोल को यूज करते हैं, सलोल इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक एनाल्जेसिक, और वैसे ही ऑयल ऑफ विंटरग्रीन हो जाएगा। ऐसे कर लोगे बताओ? एच प्लस डाल के फिर CH3OH कर दोगे तो यहाँ OCH3 आ जाएगा। बोलो सिंपल है, क्लियर है ना? तो एक कोलबे श्मिट रिएक्शन है, इसके अंदर फिनॉल को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं पहले बेस के साथ में, तो फिनोक्साइड बन गया। इस फिनोक्साइड के अंदर ओ माइनस ने जो रिंग को एक्टिवेट किया है, जो रिंग को एक्टिवेट किया है, उसके बाद में ऐसे पिछले केस में जैसे हम CCl4 से रिएक्शन करवा रहे थे और फिर Cl पे SN2 हो रहा था, इसमें हम डायरेक्टली CO2 पे रिएक्शन करवा रहे हैं। ये O से C पे, सॉरी कार्बन से C पे रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा और इस पे CO2 अटैच हो जाएगा, और फिर वैसी रिएक्शन है सारी की सारी है। मेरे पास में डबल बॉन्ड हो इधर इधर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी डबल बॉन्ड हो और ओ माइनस। ठीक है, तो ये चीज
अब ऑब्वियसली यहाँ पे एच है तो डॉटोमराइज कर सकता है, सही बात है, डॉटोमराइज करेगा तो फिर उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या है दोनों जगह प्रोटोनेट कर दोगे तो COH COH लग जाएगा। भाई इसमें इसके अंदर थोड़ी यूनिक बात ये भी है कि इसके अंदर क्या है कि कौन सा बेस ले रहे हैं हम लोग, LiOH, NaOH, KOH और RbOH और CsOH, इस पर डिपेंड कर रहा है कि अमाउंट किसका ज्यादा है। अब नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई एच बॉन्डिंग हो रही है या स्टेरिक क्राउडिंग है तो ऑर्थो मेजर है, पैरा मेजर है, बात खत्म। अब इसके अंदर क्या है कि एक्चुअली अगर हम लोग Li और Na लेते हैं तो Li और Na में तो पाया गया है कि ऑर्थो मेजर होता है, ऑर्थो बड़ा होता है किससे, पैरा से, ठीक है। और Li में ऑर्थो 100% ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0% है, हमारे पास बनता ही नहीं है पैरा। और के आर बी और सी एस, के आर बी और सी एस लेने पे, के आर बी और सी एस लेने पे हमारे पास में पैरा मेजर है ऑर्थो से। अब उसका रीजन जो है ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे नीचे देखो उसमें दिखाया है डायग्राम में कि इसके अंदर जब कोई हम CO2 पे अटैक करने हैं, जब CO2 पे अटैक होता है तो CO2 पे अटैक होने से जो O पे माइनस चार्ज आ रहा है, देखो ये जो एरो देखो इस पे अटैक हुआ है, इस पे O माइनस बना, ये O का माइनस, और इस डबल बॉन्ड O जो है ओरिजिनली जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसका जो डेल्टा माइनस है, ये इन दोनों माइनस के बीच में हमारा मेटल आयन जो है ना, ये M प्लस, ये आके फंस जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है हमारे पास ऐसा, कैसा, जिसमें ये इस सी इस ओ माइनस और इस ओ के बीच में हमारे पास में यहाँ पे मेटल आयन फंसा हुआ है, एम एम प्लस, यहाँ देखो बच्चों ये एम प्लस। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या है हमारे पास में स्टेबिलिटी आती है। अब अगर इसका साइज Li हो तो ये आराम से बनता है, Na हो तब तक ठीक है, बट के होने से क्या है ये कॉम्प्लेक्स बन नहीं पाता, और जब कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता तो एंटायरली सामान कहाँ चला जाता है, पैरा पे अटैक करने के लिए। तो Li और Na में ये सिक्स मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ऑर्थो पोजिशन है। ऑर्थो मेजर है, ठीक है ना। अच्छा, एम प्लस इज हेल्पिंग द फॉर्मेशन ऑफ TS which is formed in case of Li Na but does not form in case of K plus N plus onwards and its large size. अब एक एल्ब्स रिएक्शन है, K2S2O8, S2O8 को देखते ही मुझे क्या याद आता है कि किसका सॉल्ट है ये, H2S2O8 का। और H2S2O8 के अंदर सल्फर वगैरह में हमने देखा है H2S2O8 के अंदर परोक्सी बॉन्ड है, परोक्सी बॉन्ड है, इसका मतलब S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस O O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस है। अब वही फिनॉल के साथ में H2S2O8 की रिएक्शन, तो अब इसके साथ क्या करना है हमें। अच्छा, इसमें एक चीज डिफरेंस देखो, नीचे नोट्स में बताया हुआ है, H2S2O7 से रिएक्शन करने पे सल्फोनेशन होता है फिनॉल पे, सिर्फ EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सल्फोनेशन होता है यहाँ पे, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया है पहले, ठीक है। H2S2O7 में कोई परोक्साइड वगैरह बॉन्ड नहीं है बच्चों, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीजन से +6 आ रहा है, वो नॉर्मल ऑक्साइड है बस, वो बस एस डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और O H और O H है। तो इसके साथ में ऐसा क्यों होता है, वो सिंपल है, H2S2O7 के साथ में अगर तुम इसमें H प्लस जो कि खुद एसिड है के साथ अगर देखो तो H प्लस इसको प्रोटोनेट करेगा, प्रोटोनेट करेगा तो क्या होगा भाई, ये लीव करने की कोशिश करेगा, और उस केस में मेरे पास में S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और O के साथ में रेजोनेंस करने वाला ये स्ट्रक्चर, ठीक है, और S डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच ऐसा बन जाएगा। और ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल सल्फर है, खुद सल्फर, तो किसी भी सल्फर पे तुम अटैक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इसको अभी तोड़ दो इस बॉन्ड को ऐसे, तो बेसिकली ये चीज एक्चुअली क्या जनरेट कर रही है, हम एरोमेटिक में देखेंगे एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस जनरेट कर रहे हैं। तो इस पे तो खैर फिनोक्साइड का ई एस करवाओगे बॉन्ड वापस नॉर्मल हो जाएगा, अल्टीमेटली SO3S लग जाएगा, ये एक अलग कहानी है। अभी परऑक्साइड वाले का क्या करना है, परऑक्साइड वाले का ये करना है हमारे पास में के ऑर्थो और पैरा, ठीक है, कहीं से भी अब इसके अंदर अटैक करने की कोशिश करें हम लोग, ठीक है, तो पैरा पोजीशन जो है ये
है तो स्पेस थ्योरी क्राउडिंग की वजह से ज्यादा जल्दी अटैक होता है। तो जब मैं इसका नेगेटिव चार्ज से इस पर अटैक करूंगा तो परोक्साइड बॉन्ड जो है ये वीक है। कैसा बॉन्ड है बच्चों? ये वीक है। इस वीक बॉन्ड पे मैं जब कार्बन से अटैक करूंगा, कार्बन से अटैक करूंगा तो मैं इस बॉन्ड को तोड़ दो। किसमें तोड़ दो? रैंडमली इस ओ बॉन्ड को भाई ब्रेक करना है तो एक ओ पे प्लस और एक ओ पे माइनस लाना ही पड़ेगा हमें, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जो भी ओ तुम प्लस में लेने वाले हो, तुम प्लस में लेने वाले हो, उस ओ को इस कार्बन पे अटैच करना है। ठीक है? मतलब जैसे क्या कर दो, जैसे इस जो है के टू एस टू ओ एट वाले एनायन को एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस और ओ प्लस, ऐसे इमेजिन करो। ऐसा हुआ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ओ प्लस बनता तो है नहीं ऐसे इजीली। तो ओ माइनस एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस हमने यहाँ पे ले लिया इस तरह से। और इस ओ प्लस वाले को डायरेक्टली हमने किस पे जोड़ दिया बताओ? इस कार्बन पे अटैच कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से मेरे पास में ये वाला कंपाउंड देखो बन जाता है। ठीक है, जब तुमने अटैच किया तो पहले तो ओ का रेजोनेंस करके हम चार्ज नीचे लेके आए, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, पूरा रेजोनेंस करके यहाँ पे एच है और यहाँ पे एक एनायन आया और फिर इस एनायन ने इस पे अटैक कर दिया तो ये बन गया। अब इसमें क्योंकि मेरे पास ये कैच लगा हुआ है, हमने क्या देखा भाई, जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए तो तुरंत टॉटोमराइज कर देते हैं हम लोग। टॉटोमराइज कैसे कर देते हैं भाई? एच प्लस इसमें से निकालो, एच प्लस निकालो इसमें से, इस नेगेटिव चार्ज को वापस रेजोनेंस करके ऊपर लेके जाओ। ठीक है, एच प्लस निकालने के बाद में नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करके ऊपर लेके जाओ। ठीक है, वापस यहाँ पाई बॉन्ड बनाओ, यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर रेजोनेंस करो, यहाँ पाई बॉन्ड बनाओ, यहाँ नेगेटिव आएगा और ओ माइनस, ऐसा बन जाएगा। और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास में? ओ एस ओ थ्री, ऐसे ओ माइनस बन जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो ओ माइनस है ये जो है हमारे पास में, इस पे इसको इसको वापस से अटैच कर दो तो यहाँ पे ओ एच आ जाएगा। तो ये इसका टॉटोमरिज्म हो गया। अब लास्ट चीज, तुम्हें ये पता है क्या कि हमने एरोमेटिक में इप्सो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था? तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन में देखा था कि एसओ थ्री एच काफी अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वापस साइड में आ रहा हूँ, देखो डायग्राम बड़ा बनाने के लिए, तो बेंजीन पे ओ एच जो है इस पे ओ एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस जो है, ठीक है, ये अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज इसको यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे, ठीक है, तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल सकता है, इस पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल सकता है, लीविंग दिस सब्सटेंस एज, ठीक है, क्योंकि एसओ थ्री गैस है, लीविंग दिस सब्सटेंस एज ओ माइनस एंड प्लस क्या बताओ, एस ओ थ्री गैस बन के उड़ जाएगा। तो हमने इप्सो सब्स्टिट्यूशन क्या देखा था? हमने देखा था कि एसओ थ्री अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे एसओ फोर है बच्चों, फर्क बता रहा हूँ मैं तुम्हें। उसमें एसओ थ्री एच भी कैसे लीव करता था? उसमें देखो ऐसे लीव करता था कि बेंजीन पे अगर मेरे पास में एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस है, तो ओ माइनस जब देता था तो सल्फर कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके जाता था, इसलिए तुम कार्बन पे सीधा एच लगाते थे। यहाँ पे तुम किसको लेके जा रहा है एसओ फोर में? वो ओ को इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, तो तुम ओ भी माइनस चार्ज लगाओगे। और इस पे जब एच प्लस डालोगे तो तुम्हारे पास में ये आ जाएगा ओ एच और ओ एच फिनॉल, ये ठीक है ना, कैटेकोल, लिसोसिनॉल और क्विनोल वाली फैमिली का क्विनोल बन जाएगा। अच्छा, एक इसमें क्लेजन रीअरेंजमेंट है देखो। ठीक है, तो क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या है भाई? अब इसमें हीटिंग, जब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम गर्म करते हैं तो पेरिसाइक्लिक रोटेशन होता है बॉन्ड्स का। ठीक है, सिक्स मेंबर रिंग बनने की वजह से, और बॉन्ड्स जो हैं वो रीअरेंज करके अपने आप को ऐसा लगता है जैसे पूरा ग्रुप जो है ना वो शिफ्ट हो गया है। तो मतलब क्या है कि एलाइलिक फिनाइलिक ईथर्स, अब ऐसे क्या है सुनने में वो साउंड में नहीं आता, ठीक है, एलाइलिक फिनाइलिक ईथर्स आर हीटेड, देन अ पेरिसाइक्लिक रीअरेंजमेंट इन्वॉल्विंग सिक्स मेंबर साइक्लिक टीएक्स टेक्स प्लेस, द रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर स्ट्रिक्टली इंट्रामोलिकुलर, ये जरूरी है, इसमें इंटरमोलिकुलर नहीं है, एक मॉलिक्यूल आपस में खुद से रिएक्ट करता है हमेशा। ठीक है, सो नो क्रॉस रिएक्शंस कैन अकर बिटवीन डिफरेंट रिएक्टेंट्स, इट इज सिग्मा ट्रोपिक, सिग्मा बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, बोलने के लिए इसमें से। ठीक है, अब मैंने इसे गर्म किया देखो, तो इसे हीट करने से क्या है हमारे पास में, ये एक पर्टिकुलर देखो किस किस तरह से ये देखो अरेंजमेंट हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिरूँ, देखो पाई बॉन्ड की पोजीशन देखो इसके अंदर कहाँ पे है, तो ये ऐसा आ रहा है कि ये ओ है, ठीक है, उसके बाद में एक सी एच टू इधर, एक सी एच इधर और एक डबल बॉन्ड इधर, ऐसा
ठीक है, और उसमें एक पाई बॉन्ड इधर इस तरह से। तो अब तुम देखो तो ये एटम्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ एकदम सिक्स मेंबर रिंग के लिए देखो रेडी है ये, ठीक है। तो इतना हिस्सा जो है इसको जब गर्म करते हैं हम लोग तो ये ठीक है कुछ इस तरह मूव करता है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसके साथ रेजोनेंस में है। तो ये लोन पेयर यहाँ पे क्या है कि पाई बॉन्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करता है नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर ग्रुप प्लस एम हो गया ना भाई हो की वजह से। तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है, तुम कहीं भी शिफ्ट करो याद करने के लिए, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा फॉर्मिंग दिस। एंड मुझे पता है ये स्ट्रक्चर किसके लिए रेडी है बताओ, क्योंकि यहाँ एच प्रेजेंट है तुरंत टॉटमराइजिंग टॉटमरिज्म कर लेगा, इस एच को निकालो वापस रेजोनेंस करो ये बन गया, ठीक है ऐसा आ गया। तो इसका मतलब जैसे जिमनास्ट में ऐसे नहीं होता है कि भाई हवा में एक जो है वो स्विंगिंग रूप पे किसी ने एक को फेंका दूसरे ने उसे कैच कर लिया, तो ये पूरा ग्रुप जो है ये डिटैच हुआ, यहां से डिटैच हुआ और यहां से अटैच हो गया, ठीक है। इन शॉर्ट में फिर से बोल रहा हूँ ये पूरा ग्रुप जो है हमारे पास में ये ओ वाला, ठीक है, ये इससे जो है हमारे पास में बना हुआ था ये यहां से तोड़ो और यहां से जोड़ दो, बस ये इसका क्लीजन का काम है। देखो रायल प्रोडक्ट देखो ऐसा ही दिखाई देगा हमें, तो इमेजिन में देखो ये चीज समझाई है डिटैच कैच C1 C2 C3 और फिर यहाँ पे C3 C2 C1। डबल क्लेजन क्या होता है जब हमने इसको डिटैच करके देखो एक बार जोड़ दिया CH2 को यहाँ पे जोड़ दिया एमई की जगह पे, CH2 एमई की जगह जोड़ दिया, देखो नीचे देखो मैकेनिज्म में तो CH2 14 एमई पे लग गया, लेकिन दिक्कत ये यहाँ पे एच नहीं है तो फंस गया भाई, कैन नॉट ऑटोमराइज, एच नहीं है एमई है। तो एक बार फिर से अगर मैं इसका रीअरेंजमेंट करूं गर्म करके भाई उसे अब अल्टीमेटली एरोमेटिक बनना तो है, तो अगेन क्लेजन करें टू गेन एरोमेटिसिटी, तो फिर से सिक्स मेंबर ट्रांजिशन करो इस बार नीचे की तरफ इस पाई बॉन्ड के साथ में। तो इस बार C14 पे चिपका था, अब फिर से अगर कोई आदमी भाई एक आदमी ने स्विंग करके फेंका, ठीक है, तो पहले वाले के हाथ में अगर ठीक है पहले वाले के हाथ में जो फेंका जा रहा है उसके पैर थे मान लो, तो कैच करना वाले ने उसको हाथ से कैच किया तो उसकी पोजिशन उल्टी हो गई जैसा भी था उससे उल्टी हो गई। अब एक बार फिर से कर देंगे अगर हम ये काम तो मेरे पास फिर से क्या होगा C14 जो जुड़ा हुआ था वो फिर से अलग होके ठीक है बाहर आ जाएगा C14 इस सेंस में नीचे, और अब इसके पास एच है तो अब एच है तो अब स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। फिर नोट्स में तुम्हें एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, देखो कौन कहाँ पे कैसे जा रहा है, ये फ्रेगमेंट जो है करना ईजी है बहुत। तो यहाँ पे ईटी है तो एच पोजिशन ब्लॉक है, तो पहले C14 यहाँ पे अटैच होगा फिर वापस से ये वाला सी फिर से नीचे अटैच हो जाएगा, तो देखो डायरेक्टली आंसर लिख दिया हमने, सही बात है। तो ये बेंजाइलिक जरूरी नहीं है, ये फिनाइलिक पे भी काम करता है, तो जैसे यहाँ पे भी क्लेजन हो जाएगा देखो डबल बॉन्ड सी और ओ के बाद में ये लगा हुआ जो है, ठीक है। तो इस सी के साथ में सीधा मैं तो क्या सी जोड़ूंगा बताओ, ये वाला सी ये जो यहाँ पे है ये वाला, क्योंकि बाकी सब क्या है स्पेक्टेटर आयन की तरह दूर खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है जो गेम खेलने वाला है ठीक है वो वही है, यही दोनों कार्बन के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, सही है भाई। तो एक ऐसा ही फ्राइज रीअरेंजमेंट है बच्चों, ठीक है, जैसे ऊपर वाले में क्या था स्ट्रिक्टली इंट्रा था, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या है भाई, जैसे ऊपर हमारे पास में ग्रुप डिटैच कर दिया था हमने तो वैसे ही इस ओ सीओ के बीच में यहाँ पे ग्रुप डिटैच कर दो, और जो CO CH3 है इसको ऐसे समझो, ऐसा समझ लो थोड़ा बहुत कि इमेजिन करने के लिए कि इस ग्रुप को जब डिटैच करेंगे तो किस पे क्या चार्ज आएगा बताओ। तो क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीटिंग रेजोनेंस में स्टेब्लिश हो सकता है तो इस ओ पे क्या चार्ज आएगा भाई, प्लस चार्ज CO, ये स्टेबलाइज करके अलग कर लो, AlCl3 से अलग करने का काम हेल्प कर रहा है, और ओ माइनस जो है ये अलग हो जाएगा इस तरह से, और अल्टीमेटली फिर वैसे ही होगा जैसे ओ माइनस नीचे जब रेजोनेंस करेगा तो ये और ये पोजिशन एक्टिवेटेड है और इनसे ये उसको कैच करेगा और ये एस हो जाएगा। लेकिन इसमें जो ये अलग हुए इस रीजन से ये स्ट्रिक्टली इंट्रामोलिकुलर नहीं रह गई है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंट्रामोलिकुलर नहीं है, नॉट स्ट्रिक्टली इंट्रामोलिकुलर, ठीक है ना। जब स्ट्रिक्टली इंट्रामोलिकुलर नहीं है ये इसका मतलब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट बनते हैं, तो वही चीज नीचे एक्सप्लेन की गई है कि अगर मेरे पास में O18 और C14 कंपाउंड स्टार्टिंग में था, ठीक है, तो मेरे पास में ये ठीक है स्टार्टिंग में अगर मैंने ये O18 लिया और ये वाला C14 लिया ये CO वाला ये, तो मेरे पास मिक्स प्रोडक्ट आएंगे, ऐसे भी आएंगे जिसमें O18 के पास में C14 है ही नहीं,
दो कंपाउंड उन्होंने लिए, दोनों का मिक्सचर लिया, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी बनेगा, सेल्फ सेल्फ क्रॉस क्रॉस, ठीक है, चार पैरा चार ऑर्थो सब बनेगा इसके अंदर, देखो सारा कचरा है। अच्छा भाई, एक लिबरबेंस नाइट्रोसो टेस्ट है। अब इसके अंदर क्या है, ये लिबरबेंस नाइट्रोसो टेस्ट के अंदर एक बड़ा पेक्यूलियर तरह का कलर चेंज ऑब्जर्व होता है, ठीक है, यहाँ से ग्रीन, फिर ग्रीन से रेड, और फिर रेड से ब्लू, ठीक है। पहले इसमें एसिडिक मीडियम डालने पे ग्रीन, फिर वाटर डालने पे रेड, फिर वाटर और बेसिक मीडियम डालने पे वापस ब्लू। अब लॉजिक क्या है इसका, पहले HNO2 और H+ डालने पे तो मुझे पता है कि HNO2 H+ में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जैसे HNO3 में NO2+ होता है, वैसे HNO2 में NO+ इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। इस NO+ के अंदर जब अटैक करोगे तो इसमें फिनॉल के पैरा पोजिशन से N पे अटैक होता है, तो ये बन जाता है, ठीक है। H+ इस N डबल बॉन्ड O के लोन पेयर को प्रोटोनेट करेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। और इस N डबल बॉन्ड O के लोन पेयर में क्योंकि O पे प्लस आ गया है तो ये पाई बॉन्ड पोलराइज करता है और ज्यादा, तो N इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो दूसरे फिनॉल के मॉलिक्यूल से इस N पे अटैक हो जाता है, फॉर्मिंग दिस। देखो अभी तक मामला क्या चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरह, ठीक है, इसके ऊपर ऐड हो गया पाई बॉन्ड पे, तो NOH बन गया, N नॉर्मल हो गया, ठीक है। लेकिन फिर तुमने क्या किया बताओ, फिर हमने क्या किया, इस पे H+ डाला, देखो ये वाला H+ जा रहा है अभी तक वो काम चल रहा है फर्स्ट रिएक्शन का, देखो। तो H+ से क्या है, OH2+ लीविंग ग्रुप बना, ये लीव कर रहा था, लीव कर रहा था तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आता बताओ, नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आता, प्लस चार्ज आता, ठीक है। इसमें ये वाला H जो है, ये वाला H देखो यहाँ पे, ये H टॉटोमरिज्म के लिए रेडी है, सही बात है कि नहीं बताओ। तो जैसे ही इस H+ को निकाला जाता है कि टॉटोमरिज्म कर ले, यहाँ का माइनस तुरंत पहले कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ का माइनस तुरंत पहले कौन, भाई हमने क्या सीखा अब तक, ये सिस्टम जो है ये फटाफट टॉटोमराइज करते हैं, तो ये वाला H निकलने को तो रेडी है ही, इसको जाना तो पड़ेगा, इसको पता है। लेकिन N पे जो OH2+ लीव कर रहा था, ठीक है, ये माइनस जो बना तुमने इस एच को हटाया, तो ये माइनस तुरंत एन में घुस गया, और यहाँ डबल बॉन्ड एन आके रुक गया, और वो अभी तक वेट ही कर रहा था भाई कि रेजोनेंस करके ऊपर से नेगेटिव चार्ज आएगा और उसको न्यूट्रलिटी मिलेगी, वो तो मिली नहीं इसको। तो ये जो सामान बना है अपने पास में टोटल, ये जो कैटायन है हमारे पास में, ये एक्चुअली ग्रीन रंग का है, ये ग्रीन रंग का है, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन में है। देखो अब जब इस पर पानी डालते हैं थोड़ा सा बच्चों, तो पानी डालने से क्या होता है, इसका ये H+ लीव हो जाता है, क्योंकि तो अब तक मीडियम एसिडिक था तो H+ लगा हुआ था, अब थोड़ा मीडियम न्यूट्रल किया तो H+ लीव हो जाता है, लीव होने से हमारे पास में ये बन जाता है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल है देखो, लेकिन एरोमेटिक नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इसके पास H नहीं है, देखो एरोमेटिक टॉटोमराइज कर नहीं पा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, ये इंडोफिनॉल है, ठीक है, इंडोफिनॉल है, ठीक है। और इस पे जब हमने H2O OH- इस पर डाला, बेसिक मीडियम डाला, अब बेसिक मीडियम क्या कर रहा है इसके साथ में, देखो बेसिक मीडियम इस OH- के साथ में ऊपर से एसिड बेस कर रहा है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न है, देखो ऊपर से एसिड बेस करने से हमारे पास में ये जो बना है सामान, ठीक है, ये जो सामान बना है, ये सामान जब रेजोनेंस करेगा बच्चों, तो तुम ऑब्जर्व करो कि डबल बॉन्ड ओ, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आया इसने इसके साथ रेजोनेंस किया, तो एन को यहां से मिला, तो ये उल्टा हो गया, देखो क्या आ गया बताओ, नीचे O-, तो ये तो ऊपर नीचे से एक जैसा हो गया भाई, इसका कलर जो है ब्लू है, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन जब बनते हैं तो ये क्या है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनका एक पर्टिकुलर कलर आता है, ठीक है। वैसे ही लिडरमानी रिएक्शन भी देखो, इसमें एक्चुअली एरोमेटिक का काम ज्यादा है, फिनॉल का काम कम है, एरोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आराम से समझ में आ जाता है, तो ठीक है। NaOH HCHO बच्चों देख ही रहा है, NaOH से क्या करोगे बताओ, फिनॉल O-, O- का ये कंजुगेशन होगा, तो कंजुगेशन में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, C- बनेगा उससे अटैक, और O- यहाँ पे ऑर्थो-C- बनता है उससे अटैक, तो इसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर है और साथ में पैरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट का रीजन जो है वो अगेन इसके साथ में एच बॉन्डिंग वगैरह फॉल, मतलब इश्यूज जो है वो तो लगे ही हुए हैं, ठीक है। मैकेनिज्म देखो दिया ही हुआ है हमारे पास में ऐसा, ठीक है, टॉटोमरिज्म करके हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, सेम वही सिमर टिमन की तरह, O- का पहले ये करके फिर लास्ट में टॉटोमरिज्म करके हम एरोमेटिक बना देते हैं। अब अगर हमने एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड कर दिया है तो फिनॉल क्या करता है, ठीक है, दोनों हमने एक्सेस में लिया है, तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में चला जाता है, कैसे कि इसके अंदर जो हमारे पास में ऑर्थो पोजिशन पे CH2OH लगा है, जो ऊपर इधर एक प्रोडक्ट बना था, ठीक है, इस एक जो है प्रोडक्ट के साथ में क्या करो, इस एक के साथ में, ठीक है,
एक तो पहले पैरा पोजीशन पे भी लगा दो, क्या लगा दो बताओ, CH2OH एक यहाँ पे लगा दो और एक CH2OH पैरा पोजीशन पे भी लगा दो, CH2OH। अब दो काम करो, एक तो क्या है देखो, OH2+ जब जब तुम H+ जब तुम डाली दिया है फॉलोड बाय H+, ठीक है, तो H+ से क्या करो, ये चीजें प्रोटोनेट कर लो, CH2OH2+ का हटा लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इस वाटर को लीव करवा दो। तो ये जो कार्बोकेटायन बनेगा, ये कार्बोकेटायन दूसरे रिंग के साथ में बच्चों वापस से ES कर सकता है, ESCC पे अटैक कर दो, देखो ये वाला फ्रेगमेंट बन गया, ठीक है, और इसके साथ में वापस से ES करने की वजह से अगर मैं चेन कंटिन्यू करूं CH2+, ठीक है, इस तरह नीचे का CH2 चेन दो अभी एक बार, ठीक है, तो अगर मैं चेन कंटिन्यू करूं तो मेरे पास में एक हॉरिजॉन्टल में ऐसा स्ट्रेट चेन बन जाएगा पूरा। तो एक बार जब लेयर बन गई पूरी, ये अब क्या करो, अभी दूसरी लेयर लाओ, ठीक है, ऐसी कैसी, ऐसी हमने अभी बनाई है एक स्ट्रेट चेन, इसके नीचे भी हमारे पास एक CH2OH है, तो उसको प्रोटोनेट करो, यहां इसको निकालो और यहां पे भी क्या चार्ज लगाओ प्लस। और अब ये सोचो, तो एक एक दूसरी लेयर जो है इसके सामने, ऐसी कैसी लेयर जो है इसके सामने तो चली रही है, इसके सामने नीचे से ES कर सकती है, ठीक है, यहां से ES कर सकती है ऐसा, तो यहां पे फिर वो जुड़ जाएगा, देखो उल्टा होके सामान जुड़ जाएगा, ठीक है, ये जो सामान बना है तुम, ये तुम उसमें देखोगे पॉलीमर चैप्टर में देखोगे, ठीक है, कि बेकेलाइट है एक्चुअली, एक तरह का पॉलीमर है बेकेलाइट, ठीक है, तुमको शायद तुमने देखा भी होगा अपने यूटेंसिल्स वगैरह में रहता है, मतलब बहुत जगह बैटर्स में इधर उधर रहता है, बेकेलाइट की कोटिंग रहती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉलीमर है। अच्छा, तो वैसे ही हमारे पास में क्या है, देखो बच्चों फिनोप्थ्रीन इंडिकेटर है, अब ये भी क्या है, इसका प्रिपरेशन देखो हम देख सकते हैं फिनॉल के साथ में, फिनॉल का इतना सारा यूज है इन सब में देखो, तो ये एक सक्सेनिक एनहाइड्राइड की तरह, ये थैलिक एनहाइड्राइड और एसिडिक मीडियम है, और ये मेस तैयार हो गया, ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म अगर खुद से बनाने को दिया जाए तो भी खुद से सोच के बनाया जा सकता है कि क्या हुआ होगा। तो भाई H+ है, तो पहले तो भाई क्या होगा, उसका रेजोनेंस करवाया हमने और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज लाए, और कहाँ पे अटैक करेंगे बताओ, पैरा पोजिशन से, मुझे पता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल यही वाला एटम है, तो यहाँ पे अटैक करोगे बोलो, ये बॉन्ड खोल दोगे, और बॉन्ड बंद करोगे तो ये बॉन्ड खोल दोगे, देखो नीचे चलो देख के चलते हैं हम लोग, ठीक है, तो भाई क्या हुआ, भाई देखो पहले एसिडिक मीडियम में H+, ठीक है, एसिडिक मीडियम है तो H+ से हमने इसको एक्टिवेट किया, डबल बॉन्डो पे OH लगाया, अल्टीमेटली यहाँ C+ बना दिया, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, वही बात है ऊपर नीचे कहीं भी बनाओ एक ही बात है ऊपर नीचे, तो फिर PHOH ने अटैक किया उस जगह C+ पे और उस पर अटैक किया, तो ये हमारे पास में ऐसा बन गया देखो, ठीक है, OH PHOH, ठीक है, अभी मैंने वो बेसिक मीडियम था तो O- बना था यहाँ पे मेरे लिए, ठीक है, मैं भूल गया था एसिडिक मीडियम है, O- से वापस पुश करोगे तो बाहर आ जाएगा, लेकिन O- नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ये एक बार और प्रोटोनेट हो जाएगा और ये लीव कर लेगा, लीविंग बिहाइंड दिस प्लस चार्ज, और लीव कर सकता है बिकॉज यहाँ प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है O का, और जब प्लस चार्ज बन गया तो एक बार और ES करवा लो यहाँ पे, देखो ये बन गया, ये ES बन गया, अब इसका भी कलर चेंज, पिछली बार जो इंडोफिनॉल था, ठीक है, वो भी एक तरह का इंडिकेटर है, इसमें भी सेम तरह कलर चेंज क्या होता है, जब कॉन्जुगेशन चेंज होता है थोड़ा सा, तो कलर पे इंटेंसिटी पे एब्जॉर्प्शन वगैरह भी चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसका बेसिक मीडियम अगर कर दिया जाए तो कलर चेंज क्यों होता है, बिकॉज बेसिक मीडियम इन दोनों फिनॉल्स में से एक फिनॉल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, O- में, और O- से क्या होगा, रेजोनेंस होगा, जब ये अंदर रेजोनेंस करवाओगे देखो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, देखो इसका अब की बार ये ग्रुप लीव कर लेगा ये CO वाला, और ये एक देखो ऐसी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑल्दो ये ठीक है वापस अटैक कर सकता है, बट यहाँ पे क्या है कि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने का चेंज होने की वजह से क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ चेंज हो गया है, उससे इसका कलर आ रहा है पिंक, ठीक है ना, तो ये सब चीजें देखो हमने देखी, चलो इसको अपन एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है।